Get seated quickly. Just a minute. आराम से मतलब टहलते टहलते आएंगे कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है ओके गुड इवनिंग फ्रेंड्स सो वी आर डन विद द थ्री सब्जेक्ट्स फॉर द डे द लास्ट सब्जेक्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट and the economics for finance. it is not only fm. it is fm and economics for finance. and trust me, this is going to be the best subject in the entire intermediate put together so far if you are willing to learn. advance account ke andar and that's why i said i can feel the difference between

So, Pachon has worked with the Price Waterhouse Coopers earlier, has worked with the tax intelligence platform sutra also and now does a full time trading only, nothing else. It is enough for you to live, you can make a good living also you can make, but you need good set of concepts, good set of principles uh, for that uh, to understand. और फिर बहुत सारा चीज आप कर सकते हो ये एफएम सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है अगर आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो रट्टा मारने वाले भी बहुत सारे लोग हैं आप रट्टा मारना चाहते हो तो भाई साहब नहीं ये आपके यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट प्रॉपरली बहुत खतरनाक चीज है तुम्हारे टाइम पे कितना एफ को टाइम गया था अपना बहुत टाइम गया होगा तुम्हारे टाइम पे तो कंप्यूटर अच्छा कॉस्टिंग एफ एम ए कहाँ इनके टाइम तुम्हारे टाइम में इको था ही नहीं तुम्हारे टाइम हाँ, का हाँ इको कांसेप्ट नहीं था तुम्हारे लिए तो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस इंस्टीट्यूट ने बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बना के दिया है बट जो फर्क जयेश मेरे को लग रहा था जो फोन इसलिए किया था कि बच्चा आजकल है ना सुनना नहीं चाहता कॉन्सेप्ट एडवांस अकाउंट के अंदर मैं उनको ब्लैक एंड स्कोल्स एक्सप्लेन कर रहा था उसको मालूम है ब्लैक एंड स्कोल्स का इंपॉर्टेंस क्या है School, से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं आपको ऑप्शन प्राइसिंग कैसे समझ सकता है चलो उस सिलेबस में तुमको अकाउंटिंग एंट्री है बॉस बट एक बार वो तुमको लत लग गई ना चीजों की छूटेगी नहीं जिंदगी भर देखो उसे सुनो बोल जाए गुड इवनिंग एवरी वन एंड सो आई बिकेम अ फोर ईयर्स बैक आई बी लाइक इन मंथ ऑफ जैन फिर उसके बाद आई जॉइन पी डब्ल्यू सी एंड टैक्स लाइक सर सेड बट नाउ आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर सो माई वीकेंड टेक्निकली स्टार्ट टुडे एट थ्री थर्टी बिकॉज टुडे वॉज एक्सपायरी सो फ्रॉम नाउ टिल संडे आई हैव माई वीकेंड ओके एंड आई डू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी विच अ मैनेजर और अ डायरेक्टर एट पी डब्ल्यू सी बी अर्निंग इफ यू वॉन्ट आई कैन शो यू माई पी एंड बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स नॉट वर्ट आई एम योर फॉर ना यू माइट बी थिंकिंग दैट अरे यार क्या कर रहा है यू कमा रहा है वगैरह वगैरह नो आई टेल यूंग टेंटैंड लकीली पास स्टेट गवर्नमेंट की कृपा है कि सबको पास करना है तो पास कर देते इलेवेंथ स्टैंडर्ड थर्टी नाइन परसेंट कॉलेज ने फोन करके बुलाया था कि प्लीज आओ पेपर लेके जाओ सॉल्व करके दो आई वॉन्ट टेक कॉलेज नेम यूट्यूब पर अगर लाइव स्ट्रीम हो रहा है तो बट मैंने एक लाख रुपए डोनेशन भी दिया था

ज you रेटिंग know? <laughs> अगर तुम सोचो आज मैं मेरे को कोल्हापुर जाना है अभी यहां से साढ़े चार घंटे का रास्ता है फिर भी सर के एक फोन पे मैं इधर आया दैट ऑल टूडे मतलब प्लानिंग भी है नहीं कुछ नहीं 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 था? फोन आया चारेक कर सकता हूँ हाँ सब कुछ दिखा सकता हूँ चार बज मतलब सात मिनट पे सर का फोन आया मैंने लंच भी नहीं किया था बिकॉज आज एक्सपायरी था फोर थर्टी आई वॉज यीचे आया सर बोले अभी जाएंगे ऊपर पंद्रह मिनट बाद सो दैट सीज और इवेंट टूडे एट ईयर्स फोर ईयर्स सिंस पासिंग आउट इंटरमीडिएट आई पी सी सी तुमको इंटरमीडिएट हमको आई पी सी सी हुआ करता था आई पी सी सी के बाद सर के पास सीखने का चांस ही नहीं मिला एस एफ एम को थे बट दैट वॉज थोड़ा बहुत मैं पहले दूसरे दूसरे क्लास गया था बिकॉज सर ने बैच अनाउंस नहीं की थी दैट वॉज दैट वॉई बिकॉज इट डेंट अनाउंस सी ए फाइनल

सो मेनी प्लेसेज इंडस्ट्री बिग फोर एवरीवेयर सिर्फ सर को मिल ले सर के हाथ से टपली खाने आते थे टपली खाने आते सर दे दो करके आजकल थोड़ा गलत चल रहा है दैट्स द रियलिटी आर नॉट एक्टिंग एनी थिंग इंसिडेंट बैक इन टू थाउजेंड फिफ्टीन वी आर स्टडिंग फॉर आई पी सी सी सो इनपीडपीए देर बट डर इट वॉज अभिषेक सो डोंड फीन वी आर स्टडिंग फॉर आई पी सी सी अभी लकीली वी हैर सेवन सब्जेक्ट्स यू हैव एट सब्जेक्ट्स एन ऑल दस थिंग्स different डिफरेंट स्टोरी बट फटके सबके हाथ में आती है तुम्हारी भी आएगी जब पढ़ोगे तुम बट जब लाइब्रेरी में बैठते थे तो लाइब्रेरी में सत्तर अस्सी बच्चे बैठते थे आउट ऑफ द सेवेंटी एट्टी स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम इलेवेंथ ट्वेल्थ फाउंडेशन सी पी टी आर टाइम आई पी सी सी फाइनल एट्टी परसेंट बच्चों के मोबाइल पर इनका वॉल पेपर होता था आई एम नॉट एज एट्टी परसेंट स्टूडेंट हैज had his wall his photo as the wallpaper of phone because student used to treat him as guru for you he might be sir teacher he is our guru not even a single teacher's day guru Purnima day a day goes a year goes without me wishing him whenever after if I have not met him for a long long time whenever I come I just go and first touch his feet because I guruira so what you guys are right now into you are into your best period of your period of your life i don't think you can ever learn in your entire lifetime because i know now since it's been four years by after being a ca the learning curve which i had from 2015 to 2018 was this it was an exponential growth and then it became like this so if you want to be a true investor good investor value investor pick here not here because you se a moderate returns again यहां से मल्टी बैगर आएगा एंड दिस मल्टी बैगर यू हैव टू कैच सिंस इट्स एन एफएम लेक्चर में थोड़ा बहुत ज्यादा स्टॉक्स की तरफ बात कर रहा हूं एंड मुझे वैसे भी टैक्स वगैरह कुछ आता नहीं है सो नॉट डी टैक्स आर समथिंग बट वी यार तुम लोग खुद ही देखते हो कितना ट्रेड करते हैं, क्या करते हैं सो यू नो दैट यू बी एस्पायर टू बिकम लाइक इम सो द होल पॉइंट इज ऑल दिस कॉन्सेप्ट ऑल दिस लर्निंग्स दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट दिस आर वेरी क्रिटिकल इन आर टाइम्स वेन यून वेन यू व इन आर्टिकलशिप वीश टू लाइक टू लाइक स्टैंड आउट अरे ये जेडपीए का बच्चा है अरे ये बाकी क्लासेज के बच्चे है वो फर्क दिख क्या था मैं आज भी ऑप्शन सेलिंग करता हूँ कैसे कर लेता है अरे, अरे कैसे कर लेता हूँ मतलब पढ़ना ऑप्शन वीक्स पढ़ थेटा पढ़ डी क्या गैमा पढ़ डेल्टा पढ़ ते समझ आएगा कैसे करता हूँ मैं बट पीपल ऑफ माई एज डो नॉट इवन अंडरस्टैंड वॉट ऑप्शन फाइनल में पूरा एक टॉपिक है <laughs> टेलिंग यू माई फ्रेंड्स आई एम नॉट डी मीनिंग दैम दे आर गुड एट टैक्स जो मुझे बिल्कुल नहीं आता है दे माइट बी गुड एट इनडायरेक्ट टैक्सेज अगेन मुझे कुछ भी नहीं आता है बट बिकॉज आई नेवर टू कंटरेस्ट बट माई होल पॉइंट ऑफ यर इज गाइज प्लीज बी अटेंटिव यू आर इन द फाइनेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ दिस टाइम आई एम टेलिंग यू एंड यू विल रिमेंबर दैट वांस दिस टाइम गोज यू आर गो नॉ रिग्रेट एंड यू गो नॉट रिगरेटेड लाइक एनी थिंग इफ यू डोंट Take that command in your hand if you don't be attentive, if you don't learn, if you just go on the wrong track, if you make wrong friends, if you if you do not stay in touch with him, because you I'm t i am telling you, like he has taught County no. More than 8,000. He has taught more than 8,000 students. His dedication, I'll tell you. Back in 2008, when he joined teaching. 2008 से लेकर 2018 तक 17 तक ही सेवनटीन टू बी फॉर 13 14 आवर्स इन वन बिल्डिंग ही हैड हिज वाइफ ही हैड हिज किड्स जिस दिन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ हिम व्हेन ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट चाइल्ड आई मीन हिज वाइफ डिलीवर्ड हिज फर्स्ट चाइल्ड ऑब्वियसली टेलिंग यू सच अ स्पेशल मोमेंट इन अ पर्सनस लाइफ ही स्टिल चूज्ड टू गिव द लेक्चर एंड देन गो टू द हॉस्पिटल नॉट लाइक हॉस्पिटल में कोई नहीं था Obviously he managed everything. He's a very good manage person <laughs> who manages everything. 2014 I can tell you it was May. Uh, Ashna was born. I can tell you everything, so I'm not exaggerating. I'm that's why and his student, I know how to use references and everything. <laughs> so he is the best person you have got, and I'm happy that this 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 number of students have chose to sit over here and learn from him because

तुम पढ़ो तुम्हारे हाथ में जो आए जैसे आए जो भी आए एंड इवन ही टॉट एस दैट थिंग इन हिज एक्स्ट्रा लेक्चर इन हिज लेक्चर ड्यूरिंग दैट एक्स्ट्रा टाइम हमको लॉ भी इन्होंने सीखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब मैं लॉ पढ़ता था तो ये प्रोविजन एक बार पढ़ते थे समझाते थे फिर हमको प्रोविजन पढ़ने का टाइम देते थे कि तुम लोग पढ़ो ताकि तुम्हारा डेवलपमेंट हो तो मेरे पास कुछ भी सेक्शन नंबर बोलो मेरे को याद है क्योंकि मैंने खुद से पढ़ा है गेटिंग इट सेक्शन फोर्टी टू प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन थर्टी चेंज इन द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल मैं कुछ भी लॉ मेरे को चार सालों के टच करके भी पर मेरे को याद है थर्टी नाइन ऑडिटर्स आई नो चार साल हो गए मेरे को कुछ भी मैंने टच भी नहीं किया पर मेरे को याद है बिकॉज हम खुद पढ़ते थे बिकॉज ये हमको पढ़ने लगते थे वो उस टाइम पे भी हमको दस पंद्रह पाँच सात मिनट मिलते थे तो हम आर्टिकल पढ़ते थे मोबाइल में कितनी बार तो मोबाइल पकड़ा भी है इसी वास्तव से बट वीश टू रीड रीड लॉट और रीड अ लॉट एंड इट वॉज नॉट रिलेटेड टू मार्केट्स टैक्स अपार्ट फ्रॉम दैट फिक्शनल बुक्स नॉन फिक्शनल बुक्स पीपल ऑल दोंगट्स ऑफ यू ग्रो दैट्स ऑफ यूर पर्सपेक्टिव ग्रो दैट वॉज नंबर वन नंबर टू अगेन इन मराठी माय डॅडी यूज टू टेल मी तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ युअर ओन लाईफ टेक द कमांड अँड मेक इट अन आयडल नथिंग मोर टू एक्सप्लेन अँड नंबर थ्री इज बाय हिम विच विल युअर फॉर अ लाँग पिरियड ऑफ टाईम ओवर युअर विच विल हेल्प यू फॉर अ फॉरंग पिरियड ऑफ टाईम टिल यू बिकम सी ए ऑब्व्हिअसली इव्हन आफ्टर दॅट बट अंटिल यू बिकम अ सी ए अँड इव्हन आय कॅन शो यू राईट नाव इन माय मोबाईल आय कॅन शो यू सो मेनी Old students of his, jinka WhatsApp status bhi a kao code. hai. Anybody get, does know that code? It's no, no, no. I'll tell you. And people it <laughs> I'll tell. I'll take that honor. So it's mental strength is stronger than a diamond. So that's what he says. That's how the reality is when you sit for your studies in month of what? February, January, February, For preparation of May, March, whatever it is. Right? अगेन वैन यूल सिट फॉर योर सी ए फाइनल वैन यूल बी वर्किंग विथ योर प्रिंसिपल इन आर्टिकल्स आर्टिकलशिप पीरियड लेट मी टेल यू दो आर ई विल पीपल इतना काम कराएगा कि कसर निकल जाएगी बट दैट्स अ लर्निंग ऑब्वियसली दैट्स अ ऑन अ लाइटर पार्ट बट जब वो प्रेशर जब बनता है ना वो प्रेशर हैंडल इस कोर्ट से ही होगा टेलिंग यू दैट्स हाउ यूल गेट मोटिवेटेड एवरी टाइम एवरी मिनट ऑफ द डे दैट्स हाउ यूल लर्न दैट्स हाउ यू विरोट्स हाउ थिंग्स विल वर्क फॉर यू यू आर इन द सेफेस्ट ऑफ एंड नॉट डू नॉट इवन फॉर अ मिनट और अ मोमेंट डाउट डाउट इज टैक्टिक्स हिज मेथोडोलॉजी हिज वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स वो सब मुझे बताने की जरूरत नहीं तुम लोगों ने एडवांस अकाउंट्स में देख लिया इस ब्लैक एंड स्कोल्स सिखाया रहेगा तो फाइनल में भी ब्लैक एंड स्कोल्स नहीं है फॉर योर वेरी काइंड इनफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट में बोर्ड ऑफ स्टडीज में जिसने किताब लिखी है उसको भी पूछ लो नहीं पता होगा रियलिटी आई एम नॉट आई एम नॉट एक्साजरेटिंग रियालिटी गाई एंड टेलिंग यू दैट्स अ रियलिटी बट एट लीस्ट यू नो द नेम टू डे टूमो वैन यू गो टू एन आई बी इंटरव्यू विरे ब्लैक एंड स्को करके कुछ होता है यार प्राइसिंग होता है उससे ऑप्शन प्राइजिंग होता है इस हफ्ता प्राइजिंग होता है दैट्स हाउल लर्न दैट साउ यो दैट्स हाउ यू इंटरेस्ट विल डेवलप इन अदर एरियाज करना क्या करोगे सेक्शन फोर्टी फोर ए बी टैक्स ऑडिड फाइल करते बैठोगे जिंदगी पर आई एम टेलिंग यू एम नॉट डी मीनिंग दोस पीपल बट इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट जॉब ऑल टूगेदर दे आर डूइंग इट दे आर डूइंग इट मच बेटर देन इवन आई कैन थिंक ऑफ दे आर अर्निंग लाइक एनी थिंग दैट्स नॉट एन इश्यू बट

पुराने नेमाने में छह बजे लेक्चर खत्म होता था नौ बजे तक केबिन में बैठे रहते थे सर ये कैसे वो कैसे वो कैसे वो कैसे अरे पर्सनल बातें पूछ लेते थे आज मेरे को सर के सब इन्वेस्टमेंट पता है <laughs> क्योंकि वो शेयर करते थे वो वो सिखाते थे, थे कि वो कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं पता था कि तुम तु, किसी का फ्लैट रहेगा यहां पे तो मैं पांच मिनट में डेटा निकाल सकता हूं क्योंकि उन्होंने एक वेबसाइट बताई कि कहां पे इंडेक्स सात बार अपलोड होता है बिकॉज वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे थे अरे ये चीजें जो है ये तुम बैठोगे तब सीखोगे ये किताब में नहीं है and i'm telling you you will be like duffers when you go out it's a very cruel and a competitive world out there no one is going to even ask you ki are tumne kya kiya kya nahi you have to take your steps and this is what you're going to learn from are excel seeko yaar make excel your best friend markets mein bolte na make chart your best friend life mein make excel your best friend हर छोटे बड़े decision Excel पे लो भले छोटा हो छोटा तुमको क्या लगता है तुम क्या आगे बड़े होने का तुमको वो calculation पूछने आ लेगा एफ इज इक्वल टू पी वी इंटू वन प्लस आर रेस टू

If YouTube Baba provides permits, but that's a reality because even I know certain things within the institute, how it is going on. The dirty politics also. So like keep that part aside. That's gonna be everywhere. But I'm telling you, please, please, please focus on how you can grow as an individual. That's gonna stay with you forever. Kuch bhi karo, maze karo. लड़कियों के साथ भी मजे करो लड़की लड़कों के साथ भी मजे करो नथिंग रॉन्ग अप्रोप्रियट टाइम सो मोस्ट टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जेडपीए में जेडपीए का टैगलाइन होता था एजुकेटिंग जनरेशंस इन भाई साहब ने और बाकी फैकल्टीज ने क्या बनाया पता है? एजुकेटिंग जनरेशंस एंड क्रिएटिंग जनरेशंस मैच मेंोसे शादी नहीं हुई सिक्स हुआ मैं थोड़ा बड़ा दिखता रूंगा रियालिटी बट आई एम टेलिंग यू मेरी शादी नहीं हुई है दिस गायज ट्राइंग टू फाइंड अ गर्ल फॉर मी नो दैट्स नो दॉट समथिंग टू लाव दैट्स द रिलेशन आई शेयर विद हम मेरे को किसी दिन बहुत कुछ हो गया या कुछ हो गया आई टू हम यार सर क्या करू कैसे करूँ मैन आईफ्ट पीडब्ल्यू लेफ्ट पीडब्ल्यू सी इन सिक्स मंथ बाई यू नो बिकॉज आई वॉन्टेड आई है कॉलिंग Yeah, i have to go and do something. Yeah, job so my goal, my tagline was to create value. add value, create wealth. now, imagine how much value he adds every day to you and to countless number of students for past 14 years. and wealth, you all know. and not just for himself. all his employees are for, there for past 22 years. i know how he has helped them financially. i'm not exaggerating. i've, I've seen his personal accounts, honestly. So, I know these things live by certain things, live by certain principles, certain values. This guy is not going to teach you finance, this guy is not going to teach you accounts, this guy is not going to teach you costing anything. He is going to teach you a perspective for life and take that because finance, tum seek costing, tum seek economics, tum seek he is going to give you a perspective for life. Take it, that is going to help you in the longer run.

आज आज तुमको लगेगा नहीं थोड़ा मैंने वेट लॉस वगैरह किया डाइट कर रहा करो मैंने बोला लड़की देखनी है तो वो थोड़े रिक्वायरमेंट्स रहते हैं बट और सर का थोड़ा कम हुआ है वैसे बट हम दोनों सेम थे साइकिल मैंने इसकी वजह से लिया था <laughs> हम दोनों ने साइकिल साथ में ली थी गए एक बार भी नहीं है बट बिकॉज आई यूज टू लुक लाइक हिम पीपल यूज टू सेल दजन अन कैन हिम

Learn from him. Take as much as you can take from him. And that's what I want to tell you guys that you're in the best period of your life. Learn as much as you can because there is a earn in learn. So that's you have to do. That's what you have to do. Learn first. You'll do a good earning in your life. You are in already the safest hands possible. Do it the right way. Make sure you learn everything from a perspective that are the syllabus. Mein hai. Ye hai wo. Learn whatever comes your way. Read tar and

प्रॉमिस तो मैंने बोला मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था आईपीसी पहला ग्रुप पहला पहले में क्लियर किया एडवांस अकाउंट्स में एग्जामेशन था ई आईसएसएम और ऑडिट बचा था अब ऋषभ सर तो मेरे को मार देंगे अगर मैंने उन सब्जेक्ट को गाया की तो बट तुमको पता है क्या है वो सब्जेक्ट <laughs> 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 तो समझेगा क्या है वो सब्जेक्ट मेरे को कुछ नहीं आता था ठीक है और सेकेंड अटैम्प्ट दिया फेल हो गया क्योंकि कुछ पढ़ा ही नहीं था अब सेकेंड अटैम्प फेल क्यों हो गया वो सुनो मे 16 में मेरा सेकेंड अटैम्प था तब नवंबर सिक्सटीन के क्लासेस चल रहे थे और नवंबर सिक्सटीन का क्राउड था बढ़िया <laughs> तो जेडपी में थर्ड फ्लोर पे ऐसे लाइब्रेरी होती थी और ऐसे क्लास थ्री जीरो वन होता था थ्री जीरो वन में नवंबर सिक्सटीन के क्लासेस चलते थे मैं तो मैं लॉन्डे तो पहचाने गई मैं जब भी ब्रेक होता था तब चेयर लेके क्लास के बाहर बैठ जाता था चलो देखते हैं थोड़ा बर्ड वॉच यार मतलब इट्स नॉट समथिंग आई वाज नॉट डूइंग ईव टी बट ठीक है मतलब यार बच्चे यार कर ही लेंगे इतना तो हक बनता है ही ऑब्जर्व फॉर टू डेज थर्ड डे ही केम टू मी बीस दिन बचे थे एग्जाम में एक तो आर्टिकलशिप से छुट्टी मिली थी बड़ी बात थी बीस दिन बचे थे ही केम टू मी जस्ट मोबाइल देवर क्या हो गया इट टुक माई मोबाइल फॉर ट्वेंटी डेज ही टिंग मोबाइल ट्वेंटी डेज आफ्टर गिविंग माई एग्जाम मैन गॉट द मैन आई टुक द मोबाइल फ्रॉम है मैं सामने नहीं बोल पाया आफ्टर दैट आई मैसेज डिम कि सर वो लिया आपने अच्छा गया मैं पास हो गया मतलब मैं पास हो जाऊंगा मेरे पेपर्स अच्छे गए आई वॉज कॉन्फिडेंट प्रटी कॉन्फिडेंट उसके पहले तो मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं था कभी फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प में बट आई वॉज कॉन्फिडेंटा सेवर डाउट हज मेथोडोलॉजी हिज टैक्टिक्स एंड इवन आई डेंट क्वेश्चन कि सर अपने मोबाइल क्यों लिया मेरे को रिजल्ट दिखा डिलेड ग्रेटिटिकेशन तुम कॉन्सेप्ट सीखोगे आ गया साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है बट रियली नॉट इम्पॉर्टेंट बट दट हाउ यू अंडरस्टैंड दैट्स वॉड ए डेड आई डेंट इवन आस्किम ट्वेंटी डेज माई मोबाइल वो जिन दादी का उस वो सैमसंग वाला फ़ोन लेके जाता था क्या दो दो मोबाइल तो तब तो औकत भी नहीं थी सिर्फ कॉलिंग के लिए वो भी क्यों क्योंकि भाई घर वाले पूछे कहा है दिन भर तो इसलिए क्योंकि हमारा शेड्यूल रहता था सुबह सात बजे लाइब्रेरी पहुँचो रात को बारह बजे निकलो घर पर तो सिर्फ पाँच घंटे सोने ही जाते थे बाकी वॉशरूम से लेकिन सब लाइब्रेरी में होता था सिर्फ घर पे नहाना और सोना होता था खाना भी मैं मैंने ज्वाइन कर था, पुणे का रहकर मैंने ज्वाइन क्या बताओ इससे इस ऐसे पढ़ो करके बच्चे भी हम निर्लज्ज थे कि इनको टाइम टेबल बना के देना पड़ रहा है बट यू थिंक दैट ही गेव दैट पूरा एक्सेल पे And मैंने वो फॉलो भी किया आई क्लियर एवरीथिंग इन माई फर्स्ट ग्रुप में मैंने शीट शेयर किया था कितने लोग फॉलो कर रहे हैं अब तक देख कितने समझा वेरी फ्यू हैंड्स डू इट गाइज आई एम टेलिंग यू आई हैव क्लियर सीए इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट रैदर इन वाइल आफ्टर रिजल्ट्स ऑफ सीए फाइनल आई फेल शॉर्ट ऑफ थर्टी मार्क्स फ्रॉम गेटिंग अ रैंक इमेजिन अ स्टूडेंट हु गेव डोनेशन बिकॉज यू कुड नॉट गेट एडमिशन इन एक्सवाइजेड कॉलेज डेन गेव विज सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट सीपीटी सौ मार्क मिले थे काटे पे पास हुआ क्यों पता है क्योंकि दो क्वेश्चन मैच के गलत थे वो थे उन्होंने दो ग्रेस मार्क दे तो मैं सौ पे पास हुआ <laughs> मैं मार्कशीट दे सकता हूँ अभी भी फेक नहीं रहा हूँ आई क्लियर सी ए फाइनल इन माई फर्स्ट अटैम्प्टैट टू आई फेल शॉर्ट ऑफ थर्टी मार्क्स इन गेटिंग अर रैंक सो यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट ही हैज यही कंपाउंडिंग है छोटे छोटे स्टेप्स एवरी डे इट कंपाउंड ऑफ फाइव सिक्स सेवन ईयर्स लुक एट मी ऑब नो मट आई कैन शो यू पी एंडल तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा एंड पी एंडल मेराइ पे नाउ इमेजिन इम्पैक्ट बिकॉज ही रिट ऑन इडवाइस बी टू इड एडवाइस नॉट टेकिंग डिस्काउंट ब्रोकिंग डिस्पाइट इटल वाइज चार्जिंग वन ऑफ द हाइस्ट ब्रोकिंग ब्रोकरज इन द इंडस्ट्री विस्टिल टू इटल बिकॉज हिट रेट्स फॉर इट हमको देख के आदत होती लर्न 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 इज वॉट आई कंक्लूड विथ ऑल द बेस्ट टू यू एंड एन्जॉय यूर क्लासेज आई दिल से एन्जॉय एंड नॉट लाइक काइंड ऑफ थिंग की पढ़ो पढ़ो एन्जॉय हीज ग मेक यू एन्जॉय द कॉन्सेप्ट द वे ऑफ लर्निंग एंड प्लीज इफ यू ह्यूमिलेट समन इट्स इन फन हम लोग रुकते थे कि हमको कब ह्यूमिलेट करे बिकॉज हमको प्राइड लगता था रे सर ने आज उड़ाई मेरी कम से कम उन्होंने मेरे को नोटिस तो किया <laughs> और एंड माइंड यू माइंड यू मेरे आईपीसीसी में तो 40 ही बच्चे थे पूछ लो 40 बच्चे थे सर के लाइफ में सबसे छोटी बैच होती क्योंकि इंस्टीट्यूट ने सीपीटी का रिजल्ट 14 परसेंट निकाला था तभी तो मैं सौ पे पास हुआ था <laughs> 40 बच्चे थे 40 बच्चे में हम रुकते थे कब नोटिस करोगे तुम तो 400

Enjoy your time. This is one of the finest periods you are living into. Follow what he says blindly. Follow भगवान बना लो इनको तीन महीने के लिए बना दो कुछ फर्क नहीं पड़ता है तीन महीने के लिए बना लो बस मैं उससे ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ जब तक इनके पास क्लास कर रहे हो तब तक बनाओ आई एम टेलिंग यू फोर्थ मंथ यू यू विल डू पूजा इन पूजा इन फ्रंट ऑफ एम नॉट एज एज रेटिंग इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम ट्वेंटी सिक्स ईयर्स ओल्ड आई अर्न मोर देन अ मैनेजर ऑफ पी डब्ल्यू सी और मे बी एज इक्वल्स टू पी एंडल दिखा सकते हो सो नॉट फेकिंग एनी थिंग इट्स अ ट्रू स्टोरी So you learn from him, you learn from him. That's it. Thank you. Thank you. <laughs> Thank you, Thank <Desh. laughs> unfortunately, people don't understand unless until you see it. So for a very long period of time, I'm finding out the students are not interested in understanding the true concept. If you start uh, गिविंग अ टाइम टू इट एंड अंडरस्टैंडिंग इट विल लिटरली गो मैड बट प्रॉब्लम क्या है ना एक मेरे साइड से एक पॉइंट के आगे रिस्पॉन्स नहीं आता ना, तो क्या होता है थिंग दोइंग ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ यूट्यूब दे गॉव बच्चे ने कमेंट करा लाइक सर थोड़ा पढ़ाओ सर ये टाइम पास सुन सुन के कान से है, बच्चा नहीं है। उसके मामा ने, को शायद नाम नहीं दिया है ऐसा लग रहा है स्टेटस किंग यूट्यूब जनरेशन दिस इज पीपल हु और जो भी कोई रहेगा व्हाई तुमको तुमको क्या लगता है जय आने से मतलब ये होने से मेरे को कुछ बहुत फर्क पड़ेगा ये काम अरे यू सी एग्जाम्पल्स में आपको ये जयेश इज जस्ट वन आई कैन शो यू एट लीस्ट अबाउट फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड एक्सट्रॉर्डिनरी स्टूडेंट्स नॉट एयर एन नंबर ऑफ चेंजेस आई सीन ट्रांसफॉर्मिंग इन द स्टूडेंट्स ह्यूज दूडेंट्स जस्ट डोंट इवन नो बट अनफॉर्चुनेटली ना वो जो नंबर है ना वो रिसेंट टाइम्स का बहुत कम है इनिशियल ईयर के बहुत ज्यादा है और जबकि इनपुट का नंबर उस टाइम पे बहुत कम था क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड या ये बाकी सारी चीजें थी ही नहीं मेरे पास आईपैड या टेक्नोलॉजी इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं था नथिंग देयर इज नथिंग आई कुडंट एक्सप्लेन जब भी मैंने एक्सेल में ब्लैक कैलकुलेशन किया मेरे को याद नहीं इनके में मेरे को ब्लैक एंड स्कोल्स का कभी एक्सेल का ऑप्शन मिला होगा देयर इज नथिंग बट स्टिल ब्लैक बोर्ड पे लिख के चलो क्लीन करके ये करके वापस लिख लिख के यूज टू एक्सप्लेन स्टूडेंट अंडरस्टेंड अब ये ऐसे लोग दिखाया था नहीं वो मैं क्या करूँ यार बैंकिंग सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है तुमको क्या लगता हम यहाँ पे टाइम पास क्लियर है तुमको दिखाने के लिए देखो मेरे पास पांच कर नहीं वो करना तुम्हें दूसरे दिन छोड़ दूंगा बच्चों को समझते ना जबकि क्या करो इमोशनल ड्रामा करो अब तुम तो ये बंद कर ले रे कुछ तो आवाज आ रहा है इसका अच्छा उधर से आ रहा है क्या सो इफ यू अंडरस्टैंड बच्चों जबकि मैं तुमको तुमको पहले बोला ना मैं तुमको ये कुछ भी नहीं सिखा के इजी चीजें सिखा के बेसिक चीजें सिखा के तुमसे हिप्नोटाइज कर सकता तुमको मैं टेक्निक्स होता है ऐसे आई हिप्नोटाइज यू in the sense like you will not understand what is a true concept but you will still believe that you are learning true concept majority students are living in that sense that they are thinking that they have learned something but they haven't actually or this is a problem of the education system this is not a problem only in the ca course this is problem elsewhere also in majority of the places there are

लल्लू है आईसीआई का लेवल तो तुमने देखा है बट इफ यू गो बियॉन्ड इट बस मेरी जिंदगी बदल सकती है और मैं तुमको ये जैश एक एग्जाम्पल तुमको लाइक मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल तुमको उस दिन फोन पे का ट्रेजरियड आया था सब नॉर्मल बच्चे हैं मैं तुमको मेरी रैंकर तो दिखाई नहीं रहा हूं ये हमें कुछ मतलब सोशल मीडिया पे डालो ये करो, क्योंकि सोशल सोशल मीडिया मीडिया प्रॉब्लम आउट इज़ यू यू डोंट नो द पर्सन ना ये ऑब्वियसली बोगस अकाउंट्स रहेंगे या जो भी अगर सच में बच्चा है यह अतृप्त आत्मा में लो ना ये अतृप्त आत्मा है आके बैठेंगे डेमो देखेंगे ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे. होते कौन हो? तुम, मतलब Why you 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 are not having a a a trust, the basic principle of 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 life. want want to learn something from a person and you want a demo of that. So you, there is a basic मतलब ये लोग हैं ना जिंदगी में demo किस चीज के तुम, हाँ, एक, तुमको देना मैं तुमको एक या दो lecture बहुत अच्छे से easy चीजें सिखा सकता हूँ बस नहीं सिखा सकता सिखा सकता हूँ ना देके दे master के तुम के तुम कितने great हो कुछ क्या हो ये हो praise करो तुमको मस्त में ये कर सकता हूं बिल्कुल और उसके बाद मरो तुम तुमसे पैसा आ गया तुम मरो ये करो मेरे को क्या फर्क पड़ता है चैलेंज द चैलेंज इज change आई वॉन्ट टू चेंज यू पीपल ऑल्सो इट्स नॉट दैट somehow I चेंज बट there इज अ Huge gap between what students should logically do and what students are doing and this is for masses, people don't understand, I obviously you don't care about what people, what Jayesh said was very important, be individualistic, be selfish, let, let the public forget about it, You at least you understand and you will change, you will see that particular change not on day 1, day 2, day 3, it's a time uh, process.

इकोनॉमिक्स और फाइनेंस उनको लगेगा कि यार इकोनॉमिक्स मतलब अपना थेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस एंड दैट काइंड ऑफ पेपर नो येस देर आर थे बट इंस्टीट्यूट हेज केप्ट गुड डील ऑफ न्यूमेरिकल्स लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स ट्राई टू मग इट अप रिमेम्बर नहीं चलेगा कॉन्सेप्ट है थरली सीखना पड़ेगा एंड देर आर फोर बुक्स दट यूल है दो बुक्स है इकोनॉमिक्स के दो बुक्स है वन इज अ कॉन्सेप्ट बुक वन इज क्वेश्चन आंसर बुक मतलब क्वेश्चन आंसर नहीं क्वेश्चन एंड द सेम थिंग गोज फॉर इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस वी हैव फॉर्मूला बुक ऑल्सो जिसमें जिसको सिर्फ रटने का ही है तो वो बुक भी है उसके अंदर मैं सारे फॉर्मूला आपको पूरे इसमें एक फॉर्मूला है जो सिर्फ लॉजिकल है उधर मैं बोलूंगा यार इसको ये है इसको ऐसा याद रखो देर इज नो अल्टरनेटिव टू इट बट अदर देन दैट

अच्छे से यूज नहीं कर सकते बट कभी ना कभी आएगा आपके पास और वो जेन्यून कॉन्सेप्ट है कुछ कुछ फॉर्मुलाज ऐसे है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन ही कर सकता तुमको अनलेस यू गो थ्रू एंड अंडरस्टैंड थ्रू द एक्सेल इट टेक्स अ टाइम बट एक बार वो समझ गया लत लग गई ना तुमको कोई रोक नहीं सकता है। कितने सारे एनालिटिक्स आप कर सकते हो और ये सब्जेक्ट आपको सीए फाइनल में जाके नया सिलेबस भी है तो भी हंड्रेड मार्क्स का है ड मार्क्स है कम्प्लीट इन सी एनलो सो यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली नॉट सी प्रैक्टिकल नॉलेज कहने के लिए बहुत सारे लोग अपने प्रैक्टिकल हाँ, कहने के लिए अलग होता है जेन्युन कॉन्सेप्ट अलग होता है सो ट्राई टू अंडरस्टैंड चलो अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा खतरनाक शुरू कर देनेंशियल मैनेजमेंट से शुरू कर रहा हूं मैं इकोनॉमिक्स और फाइनेंस को मैं बाद में जाऊंगा लेट सी बेसिकली अकाउंटिंग जो था ना तुमने जो इलेवन से सीखना शुरू किया था अकाउंटिंग हैज टू ब्रांचेस विच आर द टू ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक है और दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग सुन लेना फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके रिलेटेड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेसिकली रिलेटेड टू बुक कीपिंग इट इज बेसिकली अबाउट फाइंडिंग आउट प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल फाइनेंशियलमेंट प्रिपेयर कर रही द एंटायर फोकस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टूवर्ड्स होम एक्सटर्नल यूजर्स एक्सटर्नल यूजर्स में तुम्हारे कंपनी के शेयर होल्डर्स आ गए जो डे टू डे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते क्या तुमने यस बैंक के शेयर खरीदे यस बैंक तुमको पूछेगा क्या लोन किसको दू

तुम्हारे सप्लायर्स होते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है कस्टमर्स है बैंक है लेंडर है, है इन सारे लोगों को जो इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में चाहिए रहता है वो इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एम्ड एट एक्सटर्नल यूजर्स इसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक ही है हाउ टू मेक वॉट बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैश फ्लो सेटमेंट कैसे बनाए पी एंड एल कैसे बनाए नोट अकाउंट कैसे बनाए ये सारी चीजें कैसे बना के हम इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करें उसका काम किसका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है वो तो समझ में आया तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप है ना बहुत ज्यादा लिमिटेड है क्यों लिमिटेड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप एक्सटर्नल यूजर्स पे फोकस कर रहे हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे बच्चों इंटरनल यूजर्स पे फोकस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और योर एम्प्लॉइज अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिसीजन लेना है क्या डिसीजन लेना है हमारे कंपनी के पास सरप्लस फंड पड़े सरप्लस पैसा है कंपनी के पास वो सरप्लस पैसे से हम डिविडेंड दे शेयर होल्डर्स को या एक्सपेंशन करें नया फैक्ट्री डाल के या नए टेरिटरी में जाके प्रोडक्ट सेल करें या हम ये पैसा शेयर होल्डर्स को बाय बैक ऑफ शेयर के फॉर्म में वापस दे हम शेयर भी कर सकते बैक मतलब वापस शेयर ले लिए तो मैं क्या करूं मेरे पास सरप्लस फंड की इसकी जर्नल एंट्री सीखी नया मशीन खरीदा तो उसका जर्नल एंट्री क्या है बाय बैक किया तो एंट्री क्या है एडवांस अकाउंट में आएगा या आपने डिविडेंड दिया तो डिविडेंड का एंट्री क्या है अकाउंटिंग इज पोस्टमार्टम फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ postmortem it doesn't talk about recording of or it doesn't talk about decision making too much so ye decision making karne ka kaam kidhar jata aata hai management accounting mein simple decision bola maine mere paas surplus funds hai kya karu uska ye surplus funds mein distribute karu dividend ke form mein ya इन surplus funds को प्लाउ बैक करू या बाय बैक करू आसान नहीं है डिसीजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है अकाउंट सी अकाउंटिंग करने के लिए क्या है बहुत आसान है बाय बैक ऑफ शेयर कर लिया चलो दस रुपए का शेयर था इतने इतने रुपए में बाय कर लिया फेस वैल्यू इतना है चलो एक शेयर कैपिटल को डेबिट करो प्रीमियम इतना है बस बात खत्म बट शुड बाय बैक और नॉट इफ आईव टू बाय बैक एट वॉट प्राइस शुड आई डू द बायक हाउ विल बाय बैक इंप्रूव माई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइड हाउ विल इट अफेक्ट द प्राइसिंग ऑफ द देश वॉट विल बी द परसेप्शन ऑफ शेयर होल्डर्स एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर सो so, वो डिसीजन लेने का काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट तुमने ऑलरेडी लर्न किया है ग्रुप वन के अंदर मैं अज्यूम करता हूं कॉस्ट 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 अकाउंटिंग अकाउंटिंग में हम क्या करते थे प्रोडक्ट का cost निकलना है या जो सर्विस रेंडर कर रहे हैं वो सर्विस का कॉस्ट हमें डिटरमिन करना है और उस कॉस्ट का कंट्रोल करना है हमें वी वॉन्ट टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और वी वॉन्ट टू कंट्रोल कॉस्ट ऑफ रेंडरिंग आवर तो ये काम कहां पर कर लेते हम ये काम हम कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर तो कॉस्ट अकाउंटिंग वॉज प्राइमरली ऑफ कॉस्ट इंकर्ड तो कॉस्ट के रिकॉर्ड याद है क्या एक चैप्टर कॉस्ट लेजर थाउंट मटेरियल कॉस्ट आ गया लेबर कॉस्ट आ गया उसका हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए थे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके हमने कॉस्ट असर्टन किया फिर उ, उसको हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट आता है उससे रिकनसाइल किया कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट क्या है

and then we bifurcated that difference into various parts कुछ याद होगा तो अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड किया था that was what cost accounting दूसरा branch क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसमें बात क्या करेंगे कॉस्टिंग में बात किस चीज की थी की हमने कॉस्ट असर्टन करने का बात किया था हमने राइट right? हमने कॉस्ट करने का बात किया था फिर हमने किस चीज का बात किया था कॉस्ट कंट्रोल का बात किया था याद है क्या फिर हमने किस चीज का बात किया था कॉस्ट रिडक्शन का बात किया था ये अलग अलग चीजें हमने कहां पे लर्न की थी कॉस्टिंग में की थी अब एफ में क्या करेंगे FM में में कॉस्ट के बारे में नहीं बात करेंगे हम इधर एम विटामिन का बात होगा कौन सा विटामिन आप बोलेगा सलाह सर स्कूल में हमको एबीसीडी सिखाया था अरे

मुझे धंधा चालू करना है धंधा चालू करने के लिए मुझे शुरुआत में फंड करने पड़ेंगे या रेगुलर चलो रनिंग बिजनेस बिजनेस है मेरा, बिजनेस है मेरा तभी भी मुझे एक्सपेंशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो फंड्स कहां से रेज करूं उसको हम फैंसी लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स ऑब्लिक फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या बोला मैंने प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स ऑब्लिक बोलो फाइनेंसिंग डिसीजन नॉट मनमोहन सिंह इट्स फाइनेंसिंग डिसीजन इसमें हम क्या बात करेंगे फंड करना है पहले कितना रेज करना है रेज करना है तो उसमें से कितना इक्विटी के फॉर्म में लेना चाहिए हमने ओनर्स मनी कितना डेट के फॉर्म में लेना चाहिए बोरोड फंड वॉट शुड द ब्रेकअप ऑफ डेट एंड इक्विटी डेट रेज करना है तो डिबेंचर्स के फॉर्म में लो या लोन के फॉर्म में लू डेट रेज करना है रुपीज में डेट लू या फॉरेन करेंसी में लू अकाउंटिंग इलेवन याद होगा तो उसमें फॉरेन करेंसी बोरोइंग का एक्सचेंज डिफरेंस के लिए पैराग्राफ नंबर फोर्टी सिक्स ए किया था तुमने तो मेरे पास ऑप्शन है आई एन आर में लोन ले सकता हूं या फॉरेन करेंसी में लोन ले सकता हूं मैं बहुत बड़ा फर्क आता है इंटरेस्ट रेट में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉरेन करेंसी में लोन लिया उसका हेजिंग कर सकता हूं मैं ये डिसीजन मुझे लेना है ना अकाउंट्स में तुमने क्या किया एंट्री पास किया फॉरेन करेंसी में लोन लिया वी टूक लोन ऑफ से मिलियन सो दैट फिफ्टी मिलियन डॉलर शुड बी ट्रांसलेटेड इन टू आई एन आर यूजिंग स्पॉट एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन बस अपना अकाउंटिंग हो गया उसके लिए मैक्सिमम अपने को डिफिकल्टी लेवल क्या था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया

ये कोई हलवाई नहीं मिठाई नहीं बेच रहे तुम क्यों शेयर का प्राइस कितना रखो उसके हिसाब से कितने करने पड़ेंगे वो डिसाइड होगा नंबर ऑफ विल डिपेंड ऑन दैट डाई मेरे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स उनका कंपनी के ऊपर जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो गया बहुत सारी चीजें है शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए शेयर इश्यू करने हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होने चाहिए वोटिंग राइट्स कितने देना है सो so, Of funds. मुझे क्या क्या डिसाइड करना पड़ेगा बच्चों करते कहां से यूज करूं इक्विटी डेट डेट के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इक्विटी में भी ऑप्शन है आपने in लॉ में सीखा कि नहीं मुझे मालूम नहीं अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिट एंड अ ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट लॉ में उसको सिर्फ जी बोलते हैं लॉ डज नॉट यूज द वर्ड ए इफ यू आर रेजिंग फंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाई इशूंग इक्विटी शेयर इट्स जी डी आर आप फॉरिन करेंसी में फंड इक्विटी शेयर इशू करके रेज कर सकते हो डोमेस्टिक करेंसी में रेज कर सकते हो आप शेयर इश्यू करने स्टॉक एक्सचेंज पर जाके इशू करें या प्राइवेट प्लेसमेंट करें फर्क होता है शेयर का प्राइसिंग जो होता है प्राइवेट मार्केट में और पब्लिक मार्केट में सेम नहीं रहता है प्राइसिंग ऑफ शेयर डिफर्स डिपेंडिंग ऑन ट अ प्राइवेट मार्केट और इज इट अब्लिक मार्केट बहुत बड़ा फर्क होता है खर्च करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है आईपीओ सुना होगा तुमने ये सारे टेक्निकल टर्म्स हम लर्न करने वाले तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, पब्लिक फाइनेंसिंग डिसीजन इसके अंदर आएगा क्या इसके अंदर मुझे पहले डिसाइड करना पड़ेगा ब्रेकअप अब बोले ब्रेकअप सर डायरेक्ट ब्रेकअप पे क्यों गए आप ये ब्रेकअप तुम जो सोच रहे हो वो वाला नहीं है ये कौन सा ब्रेकअप है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बोला मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए व्हाट शुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी मुझे अगर सौ रुपया रेज करना है ये है मेरा टोटल फंड्स इसमें से हाउ मच शुड बी इन द फॉर्म ऑफ डेट एंड हाउ मच शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी डेट के फॉर्म में कितना रहे तो ले मैं बोलता हूं इतना डेट के फॉर्म में लो इतना तुम इक्विटी के फॉर्म में लो इतना तुम शेयर्स के फॉर्म में लो इसको क्या बोलते हम कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोपोर्शन इन विच यू रेज दी रिक्वायर्ड फंड्स तो वो पहले प्रोपोर्शन डिसाइड करना पड़ेगा ठीक है हमने प्रोपोर्शन डिसाइड किया जो भी तुमको पैसा देगा फ्री में देगा कह रही हाँ तुम बैंक के पास गए बैंक बोलते हैं बैंक लोन देना मेरे को हाँ मेरे को पैसे का जरूरत है तुम्हारा ससुर नहीं वो ससुर भी आजकल पैसा लगा है तुमको तुमको तो देखे वो देगा भी नहीं तुमसे पैसा लेगा देख तेरे को पैसा देना पड़ेगा शादी करने के लिए शादी नहीं करूंगा क्यों राहुल गांधी का वक्त हो गया <laughs> शादी कर ले अकेला रहेगा नहीं तो जिंदगी भर कैपिटल स्ट्रक्चर तो भाई तुम गए बैंक के पास बैंक से तुम क्या कर रहे हो पैसा मांग रहे हो ना हा ना बैंक तुमको कुछ ना कुछ तो रिटर्न मांगेगा दैट इज कॉल्ड एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट बट योर ट्रू कॉस्ट

स्टॉक एक्सचेंज पे जाके इशू करो या प्राइवेटली जाके डिबेंचर्स इशू करो डिबेंचर्स इशू किए तो डिबेंचर्स पे जो आई होप यू नो डिबेंचर्स थैंक यू तो तुमने कोई इंटरेस्ट पे किया नाइन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम पे कर रहे हो तुमको लगता है तुम्हारा कॉस्ट है नाइन परसेंट ना तुम्हारा कॉस्ट नाइन से ज्यादा हो सकता है नाइन से कम हो सकता है समझना पड़ेगा फॉर्मूला है बट फॉर्मूला नहीं फॉर्मूला में बहुत लेट सिखाऊंगा सिखाऊंगा पक्का So, whenever you raise a funds, there is certain expectations from by the investors. Nobody in this world is gonna give you free. And if somebody is giving you something free, remember you are the product. You are going to be exploited. There is no value of free. That is only for uh, time pass. Remember.

हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाज़ कैपिटल स्ट्रक्चर आई होप यू पीपल डाउन वर्ड्स एंड कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या बोलो बच्चा वर्ड ट्राई टू की दूध अर्थ पानी का प्रपोर्शन करेगा इधर चायना ही बना रहे हम ऑब्वियसली इटव प्रपोर्शन ऑफ डेट इक्विटी प्रेफरेंस और अदर सोर्स ऑफ फंड टू यूज जो भी धंधे के लिए पैसे की जरूरत है वो किस प्रपोर्शन में हम रेस करें वो डिसीजन पहले लेना है प्रोक्यूरमेंट करना है ना फंड्स का इज नॉट परचेस ये कोई तुम्हारा कॉस्टिंग नहीं चल रहा रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर प्लेस किया परचेस ऑर्डर फिर गुड्स रिसीव रिपोर्ट फिर मटेरियल रिटर्न स्टोर इश्यूड ना, ना ना हम रॉ मटेरियल नहीं खरीदने जा रहे हैं हम कैपिटल या फंड्स जो चाहिए बिजनेस को वो रेस करने जा रहे हैं वो रेस करते टाइम हमें पहला डिसाइड करना पड़ेगा स्ट्रक्चर ओके बिफोर यू गो फॉर स्ट्रक्चर यू शुड नो ऑल्सो हाउ मच अमाउंट यू नीड दैट इज बेसिक मतलब तुम्हारे धंधे के लिए तुमको कितना पैसा चाहिए वो तुम्हारे पास कैपेबिलिटी होना चाहिए एस्टिमेट करने का और नहीं है तो तो पहले दिन ही तुमने गोदरेज लॉक लगाना चाहिए धंधे को सो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर बोलो प्रोपोर्शन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स अब ये बोलने के लिए बहुत आसान है एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कैसे करोगे बहुत मुश्किल है क्यों तुम जब इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो कितने सारे लोग एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट हर एक को पूछोगे तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या है तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या है कोलगेट का एडवर्टीजमेंट नहीं चल रहा है डेंटिस्ट <laughs> का सोया हुआ नंबर वन ब्रांड तुमको कैसे लग रहा है <laughs> आज आपके टूथपेस्ट पे नमक है ओके okay. Are you going to go to millions of investors and going to ask them how do you feel? There are expectations of investors. How do I measure them? Well, there are formulas. So there is a wonderful formula, Nobel Prize winning formula, which you can understand by eating parle g for that. D e by P plus G. As a formula. Hai. ये फॉर्म्यूला तुमको बताता है शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेशन कितने हैं बोलेंगे मतलब हाँ शेयर होल्डर ये ओके आजकल पब्लिक थोड़ा सा लोअर लेवल का हो गया चाहत कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज चाहत एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स की वर्ड सो वी हैव की वर्ड डू नॉट यूज दिज वर्ड्स सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स फ्रॉम होम कंपनी जो पैसा उन्होंने कंपनी को दिया है दे एक्सपेक्ट कंपनी टू अर्न समथिंग ऑब्वियसली एवरी इन्वेस्टर विल है पैसा रेज कर लिया ठीक है ना आप कैलकुलेट क्यों करने का है लॉजिक इतना ही है वंस यू रेज अ फंडस एंड यू नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लेट ए 15% परसेंट हाउ टू कैलकुलेट है फॉर्मुला है ये अकेला फॉर्मूला नहीं दिस इज बेसिक फॉर्मूला इसके एडवांस में दुनिया बहुत आगे जा चुकी है दुनिया उसके बहुत आगे जा चुकी है. जो आगे वाला है हमको एक लाइन में इंट्रोडक्शन आएगा बस आ, विलियम शार्प ये गॉर्डन करके बंदा है उसने दिया था दूसरा जो है विलियम शार्प ने दिया था नोबेल मिला है उनको भी हम एक वन लाइन करेंगे और शॉर्ट अब तक उसका 1970s के अंदर ये उनको नोबेल मिला है इंटर में 19 तब से लेके आज तक एक बार पूछा है बार बार एक बार। बहुत खतरनाक फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशंस तो मेजर करने के लिए लेकिन क्यों मेजर करने का क्योंकि मैंने अगर इन्वेस्टर्स से पैसा उठाया इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इटर्न पंद्रह टका अज्यूम कर लो मैंने मेजर कर लिया पंद्रह अब वो पैसा मैं क्या करूंगा मेरे पास रुको मेरे पास पैसा है तुम्हारे पास क्या है या? नहीं ना वो बिजनेस में लगाऊंगा ना मैं पैसा जो फंड्स मैंने रेज किए वो अगर मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो मुझे ये क्वेश्चन आंसर करना है कि मेरे बिजनेस से मुझे कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है द रेट ऑफ रिटर्न विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम बिजनेस शुड बी हायर देन

तो मैंने पैसा रेज किया अब वो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया बिजनेस में वॉट आई वॉन्ट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्ट इन द बिजनेस मैंने कैपिटल रेज किया और कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया इन्वेस्ट किया तो क्या बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वॉट आई वॉन्ट आई वॉन्ट आर ओ टू बी हायर देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइड कैसा कैलकुलेट कर रहे हैं दिखाओ कैलकुलेशन अभी फॉर्मुला पे मत जाओ राइट नॉट जस्ट आई वांट ब्रॉड लेवल कॉन्सेप्ट्स पहले मुझे सब्जेक्ट क्या है वो एक्सप्लेन करने दो आई एम नॉट दिस इज नॉट अ डिटेल एक्सप्लेनेशन डिटेल एक्सप्लेनेशन एक आर एक ओ के ऊपर मेरे को एक घंटा बात करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ कैपिटल दस पंद्रह घंटे हाँ मतलब जन्नत ही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब तुमको नहीं है उनको ऐसे ही नोबेल नहीं मिला है अगर आप इनको core principles, आप इनको बनो या ना बनो फर्क नहीं पड़ता है बिजनेस योर ब्रेन लेवल चेंज सो वट आई वॉन्ट आर ओ सी टू बी ग्रेटर दैन कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो करने के लिए मुझे पहले जो फंड्स मैंने प्रोक्योर किए उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कैलकुलेट करते आनी चाहिए हाउ टू कैलकुलेट अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो वेन आई टॉक अ प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड आई विल टॉक फर्स्ट हाउ टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर देन आई विल टॉक अबाउट हाउ डू वी मेजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी शुड ऑल्सो नो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या क्या सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है मार्केट में अवेलेबल सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज तरीका नहीं होता है जो जाके फंड्स रेज करो स्टॉक एक्सचेंज के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है स्टॉक एक्सचेंज के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है देन वी टू टॉक अबाउट लिवरेज हम कुछ फैक्टर्स का एडवांटेज लेंगे वेन वी प्रोक्योर अ स्पेशली बाय अ डेट में कुछ चीजों का फायदा मिलेगा लिवरेज इज नथिंग बट टेकिंग एडवांटेज ऑफ सम फैक्टर तो जब हम लोन लेंगे ना तो हम एडवांटेज लेके कुछ फैक्टर्स का डेट एडवांटेज कैन टर्न इन टू डिस ऑल्सो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कब पैसा डेट से रेज कर रेज करके मुझे फायदा होगा और कब मुझे नुकसान होगा वेन यू रेज अ फंड हम बात करेंगे प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स में एक बार हमने फंड्स प्रोक्यूर कर ले तो क्या करेंगे हमें का? यूटिलाइज करेंगे इन्वेस्ट करेंगे कहां पर इन्वेस्टिंग नॉट इन स्टॉक मार्केट और क्रिप्टोज और गोल्ड और एफ और एल पॉलिसीज वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट इन टू कोर ऑपरेटिंग बिजनेस जो भी अपना धंधा है वो धंधे में पैसा लगाएंगे हम जब हम ये धंधे में पैसा लगाएंगे तो हमें क्या एक्सपेक्टेड है प्रॉफिट या रिटर्न एक्सपेक्टेड है तो आई वॉन्ट टू डू यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स

धंधे में इन्वेस्ट करेगा आई डिड नॉट से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा आई डिड नॉट से म्यूचुअल वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन टू कोर बिजनेस बहुत बड़ा फर्क है वेन यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट यू आर नॉट इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग डिसीजन यू जस्ट पुट अप योर मनी इन टू द कंपनी एंड यू जस्ट सिट एंड वॉच वॉट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी और अ मैनेजमेंट ऑफ दैट कंपनी डज योर रोल इज डिफरेंट डेयर वेन यू इन्वेस्ट इन वॉट स्टॉक मार्केट में आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो यूर रोलटर्नल हमने पैसा रेज किया वो मुझे बिजनेस में लगाना है. क्या इंश्योर करना है? मैंने अभी अभी आपको बोला था आई वॉन्ट टू इंश्योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइड इज हायर देन दिक्कत है यार क्या दिक्कत है जो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल को जॉब नहीं लगा कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिल्ली को जॉब कैसे लगेगा ना सो व्हेन आई एम्प्लॉयड द कैपिटल इन द बिजनेस नहीं समझाना तुझे इट्स ओके इट्स ओके आई कि लेला हा सो कैपिटल एम्प्लॉय इट्स ओके इट्स ओके जनरेशन मुश्किल है तुमको सिर्फ हवस वाले जोक समझ में आते है। जाने दो इट्स ओके इट्स ओके मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड किया दिक्कत क्या मालूम है जो कैपिटल मैंने बिजनेस में लगाया है उसके ऊपर जो तुमको रिटर्न मिलने वाला है वो रिटर्न फ्यूचर में मिलने वाला है लेकिन कैपिटल तो आज लगाया है रिटर्न फ्यूचर में आने वाला है हाउ कैन आई कंपेयर रिटर्न विच इज अर्नड इन वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर ईयर फाइव ईयर टेन ईयर विथ अमाउंट एट आई एम इन्वेस्टिंग टूडे बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टन

मैथमेटिक्स में तुमने लर्न किया था कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग उसको क्या बोलते हैं जो चैप्टर है ये फाउंडेशन में ही था इंटर में नहीं है टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट देर इन इंटरमीडिएट नहीं है बट मैं सिखाऊंगा क्यों इसके बिना तुम तुमने जो फाउंडेशन में किया था वो मोर और लेस फॉर्मूला था और तुम्हारा फोकस नहीं भूल मतलब चुके तो तुमको रिविजन तुम तो लगेगा फॉर्मूला का बट जो एप्लीकेशन बोलूंगा ना दिमाग हिल जाएगा वो एप्लीकेशन मैं टाइम वैल्यू से मैं तुमको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा सो so, इनिशियली मेरा चैप्टर लगेगा टाइम वैल्यू आपको लगेगा यार ये किधर सिलेबस आगे ही नहीं बढ़ रहा है तीन चार लेक्चर हो गए पांच लेक्चर हो गए कुछ हो ही नहीं रहा है वो तो पांच लेक्चर में मैं तुमको पूरे सारे सिलेबस में आगे जो जो चीजें लगने वाली ना वो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू ये देखो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इन टू वन प्लस वो तो फॉर्म्यूला तुमको मालूम है यार उस के लिए इतना जरूरत नहीं लेकिन उसका यूज करके डिसीजन में कैसे लू उसे यूज करके मैं प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालू प्रोजेक्ट का आईआरआर कैसे निकालू मैं प्रोजेक्ट का मॉडिफाइड आईआरआर में कैसे निकालू री इन्वेस्टमेंट ट्रेड के डिसीजन में कैसे लू जो आगे जाके सिलेबस में है वो सिखाऊंगा तो पहले मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगेगा क्यों क्योंकि मेरा कैपिटल का आउटफ्लो आज हो रहा है और जो इनफ्लो है वो इनफ्लो फ्यूचर में हो रहा है इन दोनों को एक लेवल पे लेके आना पड़ेगा एक लेवल पे लेके आने के कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी फिर हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि माइ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉड इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसको बोलते हैं कैपिटल क्या बोलते हैं हम इसको कैपिटल कैपिटल इट इज बेसिकली एक्सपेंडिचर जो तुमने किया है सी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का मतलब क्या बोला मैंने इन्वेस्टिंग डिसीजन ना तुमने जो फंड्स रेज किए वो कहां पे इन्वेस्ट करोगे तुम बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे ना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट दो चीजों के लगता है एक है लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज इन कैपेक्स प्लांट एंड मशीनरी लेना है लैंड खरीदना है फैक्ट्री सेटअप करना है समझा गया उसको क्या बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोला मैंने वर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर धंधे के लिए मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत है तो कैपिटल बजेटिंग इज बेसिकली इवेल्युएशन ऑफ बोलो कैपेक्स डिसीजंस कैपेक्स कैपेक्स का मतलब क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइम वैल्यू ऑफ मनी से हम कंपेयर करेंगे फिर हम कैपिटल बजटिंग के डिसीजन लेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर करना या नहीं करना नया फैक्ट्री सेट करूं या ना करू बट ये सब करते टाइम पे यू नो वॉट है रिस्क आप बोलेंगे रिस्क मतलब आज मैं प्लांट में पैसा डाल रहा हूं वट सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स आफ्टर टू विल द गुड्स रिमेन इन डिमांड आफ्टर टू व्हाट विल हैपन टू द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर टू इन वॉट इन द इनपुट कॉस्ट विल द एम्प्लॉयमेंट लेबर अवेलेबिलिटी देर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच इज अटन दिंग दर्टन इन बिजनेस इज अनसर्टन तो ओनली सर्टन थिंग इन बिजनेस इज अन्सर्टन तो मुझे रिस्क का एनालिसिस करना है। उसके लिए बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होते हैं मेजोरिटी ऑफ देम आर डिलीटेड फ्रॉम सही सिलेबस लोगों को डिफिकल्ट लग रहे थे टीचर्स लोगों को सिखाने के लिए मुश्किल जा रहा था डिलीट हो गए तो वी हैव वेरी फ्यू टेक्निक्स ऑफ रिस्क एनालिस इट इज नॉट कंप्लीट सो रिस्क एनालिस इन कैपिटल बजे क्यों डिसीजन आर नॉट फॉर वन आर टू इन कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो डिसीजन होता है उसका इंपैक्ट दस पंद्रह बीस साल तक रहता है बिजनेस पे हमारे सिलेबस में चलो लाइफ ऑफ द प्रोपोजल फाइव इन क्योंकि कैलक्युलेन करने के लिए टाइम लगता है इसलिए बट रियल लाइफ में जब तुमने किसी बिजनेस में पैसा लगाया इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म इट्स अ मैरिज दिस डिसबल यू कैन रिवर्स इट बट देर इज अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट

वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का बात करेंगे हम कि डेटर्स में कैसे इन्वेस्ट करें इन्वेंट्री में कैसे करें इन्वेंट्री के लिए अपना पूरा चैप्टर कॉस्टिंग है अपना इंस्टीट्यूट वही चैप्टर कॉपी करता है और बस आएगा इधर यू क्यू हाउ मच शुड यू ऑर्डर एट अ टाइम स्क्वायर रूट ऑफ टू मल्टीप्लाइड यूसेज इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर वही क्वेश्चन आते हैं वापस इनको अभी तक इन्वेंट मतलब तो वो ये फॉर्मूला जिसने भी इन्वेंट किया रहेगा उसका पूरा फैमिली खानदान भी यूज नहीं कर रहा होगा उसको बट हम करेंगे इन्वेंट्री डेटर्स तुम्हारा कैश मैनेजमेंट होता है ट्रेजरी मैनेजमेंट होता है ये फंक्शंस होते हैं वहां पर यूज करना तो मैंने पहले क्या किया बच्चों पैसा रेज किया धंधे के लिए आई कुड बी स्टार्टअप आई कुड बी अ वेल एस्टैब्लिश बिजनेस सारे बिजनेस को अलग अलग स्टेजेस पे पैसा लगता है पैसा की जरूरत होता है सो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड आई नीड टू प्रोक्यूर फंड वंस आई प्रोक्यूर द फंड आई नीड टू पुट देम इन टू बिजनेस विच इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कितने डिसीजन है दो और एक है फाइनेंसिंग डिसीजन हुआ और इन्वेस्टिंग डिसीजन right. हुआ तो पैसा रेज किया पैसा धंधे में इन्वेस्ट किया इन्वेस्ट कहां पर किया कियापिटल बजेटिंग। बजेटिंग। और जो शॉर्ट टर्म या व... असेट्स में तो उसको क्या बोला मैंने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चलो पैसा रेज किया पैसा इन्वेस्ट किया क्या होगा क्या प्रॉफिट होगा ना शादी किया क्या होगा क्या बच्चा बच्चे कुछ लोग डायरेक्ट बच्चा सोचा नहीं बच्चे ये थर्ड क्लास एग्जाम्पल था आई नो बट क्या है आजकल ऐसे थोड़े थोड़े देने पड़ते तब जाके लोगों को जोक समझते हैं इट्स ओके सो ये ऐसे जोक बहुत जल्दी कैचअप कर लेते लोग दिस इज वॉट आई हेट बिजनेस एंडीडी फंड्स रेज कर लिए फंड्स इन्वेस्ट कर लिए अब हो गया प्रॉफिट क्या करें प्रॉफिट का आसान नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करे या प्लाउ बैक करे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करे या बाय बैक के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करे इंपॉर्टेंट है प्लाउ बैक कर प्लाउ बैक मतलब बिजनेस में री इन्वेस्ट करना प्लाव बैक करना है तो बोनस शेयर्स के फॉर्म में प्लाउ बैक करे या जनरल रिजर्व के फॉर्म में प्लाउ बैक करें अच्छा इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है और कुछ बैक करना है कर सकता हूं क्या हां कॉम्बिनेशन भी कर सकता है जितना प्रॉफिट है उसमें से थर्टी परसेंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया सेवेंटी परसेंट बैक कर लिया वटेवर बैक करना है तो जो लोन हमने लिया था उस लोन का क्या होगा या डिविडेंड पे करना है लोन का क्या होगा डेट सर्विस कैसे हो जाएगा डिसीजन लेने पड़ते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स आई डिड नॉट यूज द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड आई यूज द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स विच इज टेक्निकली नोन एज डिविडेंट डिसीजन क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम ये सारे डिसीजन लेने के लिए तीन टाइप के डिसीजन बोले मैंने कौन से तीन टाइप के डिसीजन बोले Financing, investing, and dividend decisions. Distribution of fund fundamental of capital. We don't distribute the capital, we distribute return earned on capital. Law does not permit you to distribute capital. Payment of dividend out of capital is prohibited. I don't know whether you are done section number sixty-six of the act, reduction of capital.

आप कैपिटल वापस कर सकते हो प्रेफरेंस वाला इट इज नॉट क्रिटेड एजक्शन इक्विटी शेयर कर सकते हो इट इज नॉटेड बट वो सेक्शन सिक्सटी एट में ही बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए बाय बैक के ऊपर प्लस रिडेमशन ऑफ प्रेफरेंस जब करते हो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल ट्रूली नो देर वॉज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज अ सी आर आर capital redemption reserve that crr was created to keep capital same so redemption when you do redemption of preferences capital really doesn't come down that's why law doesn't bother so what is fm financial management <laughs> huh? fm is set of टेक्निक अवेलेबल टू टेक यू थ्रू दि थ्री डिसीजन बेसिकली एट इंटर लेवल और बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं जो तो हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे या बाकी का इन्वेस्टमेंट अनालिस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तुमको या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है या बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाना है या फॉरेन एक्सचेंज में तुमको ट्रेडिंग करना या फॉरेन एक्सचेंज का तुम्हारा एक्सपोजर है उसको तुमको मैनेजमेंट करना है या बहुत सारे रिस्क होते हैं बिजनेस के अंदर उन रिस्क का मैनेजमेंट करना है वो स्ट्रैटेजिक लेवल काम है अपना नहीं है फाइनल तो, में आओगे तो सीखोगे आ सकते हो तुम बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें सीख सकते हो तुम और लिटरली तुम अगर ये चीजें सीखोगे और तुम एक एक डील मतलब मैनेज करना सीखोगे ना रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर इफ यू लर्न रिस्क मैनेजमेंट डील्स और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील्स अ डील कैन गिव यू इजीली अबाउट लेट्स से करोड़ रुपीज तुमको एक बंदा लेके आऊंगा कभी जब इंडिया में पंद्रह दिन ही रहता है दस से पंद्रह अटेम्प्ट लगे थे पास होने के लेकिन स्किल्स थे उसके पास एग्जाम दिन लंडन में रहता है ठीक है ललित फोपड़े करके लेके आऊंगा मैं आई चेक आउट इज इन इंडिया सिर्फ फंड करता है सिर्फ और सिर्फ फंड रेजिंग मेरा दोस्त जिसने सोचा था छोड़ दिया बिकॉम करके छोड़ गया लेकिन स्किल्स सीखे लाइफ के एफ एम वाले स्किल्स एम्बोर ले के लिए लेके घूमता है मस्त भाई तुमको एक बार स्किल्स आ गया ना तुम मतलब लिटरली यू कैन मिंट मैंने तुमको एच एस बी सी का एक डील दिखाया था उस टाइम पे मैंने एग्जीक्यूट किया था दो हज़ार ग्यारह बारह में

दिस इज एंटायरली अबाउट मनी मैनेजमेंट सो टेक्निक्स है ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए सम टेक्निक्स एंड दिज टेक्निक्स आर नॉट रॉकेट साइंस ओके okay, ये सबके साथ और एक चैप्टर अपने को पढ़ना पड़ता है विच इज ये तुम्हारा ओवरऑल बिजनेस है तो ओवरऑल बिजनेस सही चल रहा है नहीं चल रहा है शकीरा ने क्या बोला था हिप्स डोट बट फाइनेंशियल सेटमेंट डू लाय कि वो ने नहीं बोला था आगे वाला पार्ट वो मैंने बोला था फाइनेंशियल huh? थाटमेंट में चलो देर आर सर्टन प्रॉब्लम सम पीपल ओके आई एम नॉट ऑल फाइनेंशियल सेटमेंट्स आर फॉल्स गुड नंबर ऑफ फाइनेंशियल सेटमेंट्स विच इनवॉल्व सम काइंड ऑफ यू अंडरस्टैंड

सामने स्क्रीन पे क्या दिखता है शेयर का प्राइस दिखता है तो शेयर का प्राइस देख के कुछ लोग जजमेंट करते थे याद होगा तो मैंने परसों एक एग्जाम्पल दिया था ग्रुप वन के अंदर यस बैंक का और अभी मुझे मालूम नहीं था कि वो अगले दिन ही प्रूव होगा स्टेटमेंट या एक क्षितिज पॉली करके बंदा था वो किधर गया है क्षितिज पॉली ग्रुप वन के अंदर हाँ हाय एक कंपनी था है क्या अभी एग्जिट हो ले उसका उसका बेचारा थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट में बच गया सो रेशो एनालिसिस विल टेल यू टू आइडेंटिफाई गुड कंपनीज तो एक चैप्टर आपके ऊपर रेशो एनालिसिस का है ये पूरे सब्जेक्ट में आपको मात्र 130 सौ तीस एक सौ चालीस है एक सौ मैंने बुक नहीं मैंने बुक नहीं बहुत सारे फॉर्मूलाज है मेरे को भी मालूम नहीं फॉर्मूला बुक भी हाँ इसके लिए हम आपको फॉर्मूला बुक भी देंगे है फॉर्मूला बुक जिसको क्या नहीं ये आईसीए के बुक से हो सो so, बहुत सारे फॉर्मूलाज है तो so, जिनको रटना है रट सकते हो बट लेट मी टेल यू पिछले दो अटेम्प्ट के बच्चों को पूछ के देखना जो इंस्टीट्यूट खोल खोल के बजा रहा ना बच्चों की मास मतलब री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड बट मैंने वही बोला ना पब्लिक को समझता ही नहीं है वो सिर्फ क्लासरूम में मेरे को समझा मैं वही तो बोल रहा हूँ क्लासरूम में तुमसे तुमको लगे क्या कि दो दो घंटे ऐसा दो दो घंटे डिस्कशन चलने वाले बहुत लेक्चर्स रहेंगे चलेगा बोल रहे तुमको ये कौन अभी ये चैप्टर्स का ओवरव्यू व्यू था सिर्फ अब इसमें रेशो एनालिसिस करना है रेशोज है तीस पैंतीस फॉर्मूलाज है चैप्टर के अंदर अब देखो पैंतीस फॉर्मूला एवरेज अगर मैं दो ढाई मिनट फॉर्मूला बोल के आपसे बुलवा लू और आपको सिर्फ मुझे फीलिंग देना है कि नहीं 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 मैं रटवा नहीं रहा हूं तो थोड़ा सा एक हाथ लाइन वही एक्सप्लेन करने का तुमको समझेगा भी नहीं तुमको फॉर्मूला मैंने सिखाया एक्चुअली मैं तुमसे रटवा लूंगा विदाउट यू पीपल इवन नोटिसिंग इट

कौन सा मैंने फॉर्मूलासेंटवाया था तुमको एक भी नहीं रटवाया था फिक्स का वो मैंने मेमोरी टेक्निक बोला था लॉजिक एक्सप्लेन किया था मैंने वो, मेरा नहीं था वो। दिया कौन बच्चा था वो इजी हियर ऑनलाइन था क्या ऑनलाइन में थोड़ा लैग रहेगा ऑनलाइन कोई तो बच्चा था उसने अच्छा उसका नाम भी अभिषेक था इट्स ओके सो लेट इट बी ये है तुम्हारा सिर्फ साठ मार्क का सिलेबस कितना सिक्सटी मार्क्स अच्छा चैप्टर नहीं आया इसमें एक भी तो इफ आई शो यू इंडेक्स जस्ट अ सेकेंड नेट का कुछ So May twenty-three, na So if I show you the index, and if you look at this, so entire syllabus is divided into four categories. First is the introduction to the financial management. This is what I talked about was the introduction only. एंड रेशो एनालिसिस का चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने लिखा है लेकिन ब्रैकेट में लिखा है आउट ऑफ सिलेबस नहीं है सिलेबस में बट अभी क्या प्रॉब्लम क्या है ना मैं इंस्टीट्यूट अज्यूम करता है कि तुमने फाउंडेशन में फॉर्मूला सीख और तुमको समझ गए तुम, तुमको फाउंडेशन में फॉर्मूला याद है तुमको उसका एप्लीकेशन मालूम नहीं है ऑनेस्टली बोलो तो क्योंकि फाउंडेशन का फोकस ही एमसीक्यू पे था यार ट चलो ग्रुप वन में हो गया इंट्रोडक्शन विच इज बेसिकली थे थे आपको बोलो ना वॉट इज फाइनेंशियल वट आर दाइपी टेकन इनशियलेंट वॉट इज रोल फाइनेंस मैनेजर प्लीज यूलोमैटिकली अंडरस्टैंड इंट्रोडक्शन का जो है ना मैं लास्ट लेक्चर में सिखाऊंगा लास्ट लेक्चर पंद्रह मिनट इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में दे था तुमको हाँ बिकॉज़ उसमें क्या है बेसिक है यार फाइनेंस मैनेजर क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे रहता है मतलब ये ऐसे घिसे पिटे कहां पर भी इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है देयर इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर देन देयर आर हेड्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस उसमें से वन ऑफ द फंक्शन इज फाइनेंस उसमें कुछ अकाउंटिंग वाले लोग होते हैं कुछ कॉस्टिंग वाले लोग होते हैं कुछ इंटरनल ऑडिट वाले लोग होते हैं कुछ टैक्स प्लानिंग वाले लोग होते हैं ऐसे चार्ट बना के दिखाने का करूंगा मैं एंड एंड में एनालिसिस इज द वन देन यू हैव फाइनेंसिंग डिसीजन आई अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिविडेंट सो इन्वेस्टमेंट में यहां पर मैंने क्या लिखा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कैपिटल बजेटिंग में डाला है और शॉर्ट टर्म वाला मैंने अलग पार्ट किया उसको पार्ट डी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ओनली विच इज वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते टाइम पर रिस्क इन्वॉल्व रहता है तो रिस्क एनालिस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए मैंने क्या बोला डिविडेंट डिस और ये वर्किंग कैपिटल उसका मैनेजमेंट है कैश इन्वेंट्री इन्वेंट्री ऑलरेडी कॉस्टिंग में कवर हो गया है नहीं इधर क्यों योग का फॉर्मूला है बोलूंगा फॉर्मूला एक बार वापस लेटेस्ट का मैनेजमेंट पे एबल वर्किंग कैपिटल ये पार्ट सेवन दैट इज रिसेंट पेपर है तो मैंने क्या किया रिसेंट वाले जो दो पेपर है वो पेपर के फॉर्म में दिए बाकी सारे पेपर जो है वो मैंने चैप्टर चैप्टर बाय शॉर्ट करके दे दिया तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी करेंगे वही बोल रहा हूँ ना जो बच्चा नया है जो पहली बार मेरे को सुन रहा है तुमको अलग लगेगा तुमको लगेगा यार ये क्या चल, क्या चल रहा है ऐसा हमारे टीचर कभी भी दो घंटे बात ही नहीं करता था वो भी बिना तो मतलब कुछ जोक मारे या कुछ टाइम पास किए हुए सो इट्स डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्टो ये ऐसा है तो कुछ कॉन्सेप्ट बुक मिलेगा आपको कुछ क्लास बुक है और ये फॉर्मुला का जो बुक है उसको नैनो बुक है वो अलग से नहीं मिलेगा उसके पेजेस इंसर्ट किए हुए तो अलग से एक फ्लैप है बीच में बुक के और आगे वो नैनो बुक है नैनो बुक इज बेसिकली फॉर्मूलाज एंड मैंने फॉर्मूलाजा नैनो बुक भी लगभग चार सौ पेजेस का बनाया मैंने छोटे साइज है मैंने सिर्फ उसको रट्टा करने के लिए सिर्फ फॉर्मूला नहीं दिया है उसमें मैंने फॉर्म्यूला का मीनिंग क्या है उसका यूज क्या है वो भी लिखा है रिविजन के पॉइंट भी लिखे तो प्रॉपर तरीके से आप उसको रिवाइज कर सकते हो सारा का सारा सब्जेक्ट ना तुम क्लास के अंदर जितना मैं सिखाऊंगा उतना और होमवर्क रेगुलर बेसिस पे किया बैकलॉग नहीं रखा एडवांस अकाउंट को भी और एफएम को भी ट्रस्ट मी यू डोंट हैव ट्रस्ट गेट

Approach, तुमने देखा बच्चों प्रॉब्लम अब यही है अब जो मैंने एडवांस में सीखा था बॉस एक बच्चे को पूरे कंट्री में मालूम नहीं होगा नॉट इवन सिंगल स्टूडेंट और मैंने तुमको मैंने क्या बोला मैंने का मैंने तुमको जो बोला ना वो ब्लैक स्कोल वन परसेंट आई एक्सप्लेन आई नॉट एक्सप्लेन यू लॉट ऑफ थिंग्स अगर आपको ब्लैक स्कोल समझाए ना उसके ऊपर ग्रीक्स होते हैं मतलब आई हैव स्टडीड अबाउट एटलीस्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी बुक्स ऑन दैट ओनली ऑन ब्लैक एंड स्कोल्स फालतू की बुक्स नहीं पढ़ते बहुत सारे बुक बोले थे कुछ बच्चों ने पढ़ाई किया पापा जी ने बहुत सारे बुक पढ़ लिये इधर भी और एक कोई तो मैडम थी उसने बोला था गुड यू नीड टू रीड गुड थिंग्स तुम्हारे सोशल मीडिया पर जेन्युन कॉन्टेंट नहीं है दैट इज अ फेक कॉन्टेंट दैट्स अ फेक वर्ल्ड

कभी मुझे लगता था कि यार मैं इंस्टाग्राम पे जाकर कंटेंट बना के डालना चालू करूं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट मतलब नॉट व्हाट आई डू यो ये वो नहीं बिल्कुल नहीं लेकिन मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है ना उसका दिक्कत एक ही है मैं कॉन्टेंट बनाना कर, चालू करूंगा लेकिन तुम डाइवर्ट होते रहेगा वो इंस्टाग्राम और इनका एल्गोरिदम ही ऐसा है वो तुमको परफेक्ट डाइवर्ट करेगा परफेक्ट डाइवर्ट कर उसका सोल्यूशन सोशल मीडिया चलो कैन बी यूज फॉर यूजर के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं उसका उसको डिलीवर कैसे मैनर विच इज नॉट डिस्ट्रैक्टिंग आई हैव सॉल्यूशन बट तुम लेक्चर्स के अंदर फिजिकल वर्ल्ड में इन्वॉल्व रहो साथ होमवर्क खत्म करते जाओ डाउट्स जब मैं बोलूंगा क्लास में हाथ ऊपर करके बिंदास डाउट पूछना At least, अब तो क्या होगा वर्ष टू वर्स्ट क्या होगा मैं तुमको चिल्लाऊंगा चिल्लाऊंगा लेकिन इट इज मैंने बोला ना उस दिन गोगिया को कि मैं कितना चिल्लाया था कितना चिल्लाया उसको इंडिविजुअल ओके जस्ट टू टेल यू यूर थिंकिंग इज गोइंग रॉन्ग टू इंप्रूव यू और मैं तुमको अगर प्रेस करना चालू करूंगा ना, जो मेजोरिटी करता है ये क्या होता है ना मतलब छोटे बच्चे को ए, मेरा लाडला मेरा लाडला कितना अच्छा मैं आई नो सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स बिकॉज इन सेम ग्रुप उनको हर एक को लगता है अपना बच्चा मतलब अरे मतलब खतरनाक ही आई नो यू शुड प्रेज किड्स यू शुड लव यू शुड गिव देम बट देर शुड नॉट बी एक्स्ट्रा पैम्परिंग वो एक्स्ट्रा पैम्परिंग किया ना एक पर्टिकुलर लेवल के आगे तो बच्चा क्या करता है उसको लगता है वो मतलब ग्रेट है वो हाँ उड नाइन uh, बच्चे को लगता है वो बहुत ग्रेट है तो मेरा प्रिंसिपल लाइफ का तो थोड़ा उल्टा है तुमको अच्छा लगे ना लगे आई यू ट्रूली अचीव समथिंग दैट इज नॉट मार्क्स दैट इज स्किल्स तुमको वो खुद और खुद तुमको समझेगा यू डोंट नीड प्रेज बिकॉज द मोमेंट यू आर लुकिंग फॉर प्रेज फ्रॉम समवन एल्स ना इंटरनली आपका मन के ऊपर कंट्रोल हिल गया फॉर वेरी इंपॉर्टेंट नो बड़ी विल प्रेज यू एट दैट लिव तब तुम्हारा इंटरनल सेटअप जो है ना लाइफ का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लोगों को रियलाइज नहीं होता है जाने दो, तो हम क्या करेंगे ट्सएप कम्युनिटी सर हाँ वो एक अच्छा सोल्यूशन आया है व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है वो फाउंडेशन के बैच के लिए ट्राई किया था मैंने लेकिन उनका एग्जाम आया आई एम ट्राई दैट आई नो जिस दिन रोल आउट हुआ था मैंनेक्स्ट डे ही वो फीचर यूज किया था इट्स कम्युनिटी सो प्रॉब्लम क्या है सोशल मीडिया का आई I... ये लोगों को समझता ही नहीं और वो डिस्ट्रैक्ट करता है तुम्हारे कि इंस्टाग्राम पर जाओगे तुम हवस है वो पूरी

नहीं वाइट इसी नहीं है जाने तो मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी फार्मूलाज है फॉर्मूला पे मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा मैं उसके एप्लीकेशन पे जाऊंगा सो so, सुन लेना गिव हेडिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस हम ए, इसके बाद जाएंगे या बीच में कभी तो मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि मुझे टाइम का प्लानिंग अभी तक मैंने किया नहीं है करूंगा एक्स्ट्रा लेक्चर इफ आई टू स्टिक डाउन टू ओनली सिलेबस लाइक टाइम एलिए स्किप कर सकता हूं अभी जो एक्सप्लेन करने ला बट तुमको इसका एप्लीकेशन जो है ना अब मैंने टाइम मैंने तुमको एक्सप्लेन नहीं किया फॉर एग्जाम्पल वो जो डी बाई पी प्लस जी है ना गॉर्डन को नोबेल मिला था तुमको जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा बिकॉज यू हाउ टू रिमेंबर वो एक फॉर्म्यूला है इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्ट ग्रुप वन में जो बच्चे थे उनको मैंने बोला था इन्वेस्टर्स से एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत बड़े भाई साहब थे उन्होंने वो formula दिया था बाई पी डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाई प्राइस ऑफ अर प्लस ग्रोथ रेट और इससे इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन को कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं अब यह मैंने लॉजिक जो है ना इधर है इसका लॉजिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर है नॉर्मेला का लॉजिक और जी का लॉजिक बिजनेस डिसीजन में अब मैं तुमको एक्सप्लेन ना करूं इन, अब इंस्टीट्यूट में जो बंदा बोला ना जय सही बोला बोर्ड ऑफ स्टडीज में जो लोग वहां पर बैठे हैं ना ड्यू रिस्पेक्ट टू दैम बिकॉज दे आर नॉट डन रिसर्च दे आर नॉट रिसर्च ओरिएंटेड पीपल वॉन्ट इज रिसर्च ओरिएंटेड फॉरन यूनिवर्सिटीज इतने आगे क्यों है रिसर्च हमारा इंडियन लोग उसके भी आगे है क्योंकि रीजन इज इंडियन लोगों के पास अंदर सीख, जो बहुत सारा लोग है जिसको सीखने की हार्डवर्क करने की बहुत इच्छा रहती है और तैयार भी रहता है उसके लिए फॉरेन में लोग तुम देखोगे यूएससी पी है तुमको करने जाना है पूरा सीए कोर्स के जैसा सिर्फ सीए कोर्स का जो अच्छा-अच्छा पार्ट है ना वही रखा उन्होंने सिर्फ एक अकाउंटिंग के ऊपर पेपर है तीन-तीन पेपर नहीं एक पेपर अकाउंट्स का एक पेपर कॉस्टिंग एफएम का मिला के एक पेपर ऑडिट का एक पेपर टैक्स का चार पेपर खत्म देन मोर देन द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फिर बोले कि हम करते हमको क्यों नहीं बोला इंडिया में नहीं उधर उधर जाने का वीजा नहीं मिलेगा

लॉ के बहुत सारे पार्ट्स हो गए ई एस एस एम हो गया ऑडिट के अंदर बहुत सारा पार्ट्स है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में थोड़ा बहुत है तुम्हारे कॉस्टिंग में भी थोड़ा बहुत फाट था बहुत सारा पार्ट है कुछ नहीं कर सकता मैं उसको है फ्रस्ट्रेशन वाला पार्ट अकाउंट्स के अंदर कुछ कुछ चैप्टर्स है वो फ्रस्ट्रेशन वाले है अब वो वहां पर रखे है तुमको उससे सिर्फ ये सीखना है कि इरिटेटिंग लोगों से कैसे कंट्रोल रखना मैंने ये चीज इंस्टीट्यूट से सीखी इसलिए मैं तुम लोगों को हैंडल कर पा रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे जिनके लॉजिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कुछ नहीं तो आप इससे एट द एज ऑफ फोर्टी या फोर्टी फाइव सिंस यू पीपल हैव बीन लिटिल लेट तुमको फोर्टी फाइव पे रिटायर करवा सकता हूं रिटायर मतलब लाइफ से नहीं फोर्टी <laughs> फाइव पे तुम टिपिकल आ, बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं आई एम टॉकिंग अबाउट यू डू अ जॉब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपकी इनकम रहेगी ना फोर्टी फिफ्थ ईयर में आपका एज का 45 इयर्स ईयर्स और जो आप इन्वेस्टमेंट से कमा सकते हो वो सेम रहेगा आपकी सैलरी और आपका जयेश ने क्या बोला था सुना क्या तुमने पीडब्ल्यूसी का मैनेजर है डायरेक्टर जितना है उतना वो अभी कमा रहा है आज कमा रहा है, मुझे मालूम है ना मैंने उसको पहले पूछ के लिए फिगर लेके ले, ले लड़की को क्या मारवाड़ी है वो लोग बहुत सारा पैसा देखते पहले पहला पैसा आ, मैं बोला यार मैं ठीक है तो बताऊंगा लेकिन पैसा पूछा तो क्या करूं लड़का कैसा है, क्या है कैरेक्टर को सब मेरे को मालूम है बट पैसे के बताए तो कम आता है कितना टाइम लगा दो साल इट इज इनफ यू कैन गेट टू फास्ट रोड

और ये सारी की सारी चीजें इधर आने वाली है पूरी की पूरी चीज इंडिया में आने वाली है इट जस्ट मैटर ऑफ टाइम इन ओपिनियन अबाउट फाइव टू टेन डाउन विल ग्रो मैसिवली वेदर इट इज अट द पावर और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और शरद पवार पार्टी डेक टू इंडिया इट इज अ पोलिटिकल मूवमेंट इंडिया विल ग्रो मैसिवली यू जस्ट डोंट नो यू टेनेट जो है ना आपको धीरे धीरे पूरे समझ में आएंगे तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना इनके ऊपर लुक एट इट टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम बात किस चीज का करेंगे वैल्यू ऑफ वन रूपी एज ऑन टूडे इज नॉट द सेम एज द वैल्यू ऑफ वन रूपी इन फ्यूचर और वैल्यू ऑफ वन रूपी इन फ्यूचर एंड द वैल्यू ऑफ वन रूपी एज ऑन टूडे इज नॉट सेम इट्स अ बेसिक थिंग वाई इट इज नॉट सेम बट

मैं तुम्हें दो साल के बाद दस हजार लौटा दूंगा दो साल लगेंगे मेरे को लौटाने के लिए क्या करोगे आप यू बी माइट बी विलिंग टू गिव टू टेन थाउजेंड मी बट आई आई विल गिव यू टेन थाउजेंड आफ्टर टू इयर्स विच इज रॉन्ग यू विल एक्सपेक्ट समथिंग मोर देन वॉट टेन थाउजेंड वाई बिकॉज यू आर

तो देखूंगा मैं पक्का सो so, तुम्हारे साथ में मैं ना सो so, तुम एंजॉय कर सकते हो दस हजार रुपया पोस्टोनिंग प्रेजेंट कंजम्शन नंबर टू इंफ्लेशन है आज वो दस हजार है दो साल के बाद वो दस हजार की वैल्यू कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ वॉट इंफ्लेशन

इट्स अ कॉम्पेंसेशन इट्स अ प्राइस ऑफ मनी सी पैसे का भी प्राइस होता है तुम्हारे सिर्फ गुड्स और सर्विसेस का प्राइस होता है शर्ट का प्राइस है या बेंच का प्राइस है या लैपटॉप का प्राइस आ गया तुम्हारे उनका प्राइस मनी टर्म्स में होता है बट मनी का प्राइस किसके टर्म्स में होता है मनी प्राइस इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी टिपिकली बी कॉल इट इज ए इंटरेस्ट इंटरेस्ट से थोड़ा आगे भी बढ़ो इंटरेस्ट यस इंटरेस्ट इज अ प्राइस ऑफ मनी but if that money is put up in equities, then there is no interest. there is a expectations from the company where you are putting the money or the business where you are investing that particular money. so in a very simple language, time value of money is nothing but expected rate of return or a compensation that you seek for giving a money to someone. that money may be given in form of debentures. That money might be given in the form of money might be given in the form of uh, equity shares. Money might be given in the form of preference shares. Money might be given in the form of loan. Money might be given in different different forms. You understand that? So how do you calculate expected rate of return? It's a very basic proposition. which was given by William Sharp in his original thesis on capital asset pricing model. अब मैं CAPM को नहीं जा रहा हूँ CAPM you will learn somewhere तो in the CA final. Basics of CAPM I will cover in a cost of capital chapter. But मैं उस thesis का एक summary आपको यहाँ पे दे रहा हूँ. Time value of money शायद मैंने आपको ये average due date सिखाया होगा तो मैंने explain किया रहेगा average due date में depending on the response of the public at that time. सुन लो क्या है The average was about interest. Interest calculation is a pathetic method of calculating interest. Average एवरेज डूडिट मैंने आपको एक्सेल पे भी कॉमन सेंस सिखाया होगा अगर याद होगा तो उस टाइम पे भी मैंने आपको एक्स आई आर आर वगैरह भी सिखाया होगा फाउंडेशन में थे तो कितने लोगों ने ट्राई किया होगा उस टाइम पे वो अलग बात है और कितने लोगों को उसमें सिखाने से याद है अब तक वो दूसरी बात है तो चलो देखते हैं कितने लोगों को याद आता है तो अज्यूम करो ये भाई साहब मुझे दस हजार रुपए देने के लिए तैयार हो गए अज्यूम फॉर द सेक ऑफ टाइम बिंग ही इज विलिंग टू गिव मी हाउ मच ही विल एटलीस्ट एक्सपेक्ट अ रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू इन्फ्लेशन रेट क्या बोला ही विल एटलीस्ट एक्सपेक्ट अ रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू वॉट इन्फ्लेशन रेट इन्फ्लेट आई अजूम एवरी वन नो इन्फ्लेशन इट्स इंक्रीज इन द प्राइस लेवल इंफ्लेशन जनरली टू बी इंफ्लेशन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस कीप ऑन इंक्रीजिंग है ना दो साल पहले जो हमारी फी थी आज जो फी अलग है तुम्हारे बच्चे जब पढ़ने आएंगे तब मैं नहीं रहूंगा सो लेकिन तब कुछ अलग फी रहेगा सी ए कोर्स का फीस विल भी डिफरेंट हाँ है ना इन्फ्लेशन है दो साल पहले जब तुम दूध खरीदते थे और आज जब दूध खरीदते हो प्राइस सेम है क्या दूध का पर लीटर फर्क है पेट्रोल बहुत सारी चीजें हाँ बोले लेकिन ले सर कुछ कुछ चीजें जहां पे प्राइस कम हो ना इन्फ्लेशन इज नॉट कैलकुलेटेड कमोडिटी बाय कमोडिटी इट्स कैलकुलेटेड फॉर बास्केट ऑफ कमोडिटीज एनी कैन टेल मी वॉट्स हेडलाइन इन्फ्लेशन बताया था मैंने आपको There are three inflations headline inflation, core inflation, and consumer price inflation. Core inflation. How many remember? Yes. Be, be louder. I can't hear. भैया का आवाज कैसा था पर लास्ट बेंच में बैठ के भी आवाज आता था उसका गुड दैट्स कोर इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन इज इक्वल टू होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। हेडलाइन अब बोले हेडलाइन मतलब ऐसा वर्ड है फैंसी वर्ड है फाइनेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट यूज फैंसी वर्ड सो दैट द पब्लिक क्या बोला मैंने हेडलाइन इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन ऑफ होलसेल प्राइसेस बट उसमें से अगर आप फ्यूल एंड फूड आइटम्स निकाल दोगे जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग रहता है सो so, उनको अगर आप निकाल दोगे तो क्या आता है कोर इन्फ्लेशन और कंज्यूमर प्राइसेस इज कंज्यूमर लेवल प्राइसेस होलसेल प्राइसेस नहीं होते होलसेल प्राइस इंडेक्सर इज अ रिटेल प्राइस इंडेक्स जब हम टाइम वैल्यू ऑफ कंज्यूमर प्राइसेस बच्चों जब हम यहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इन्फ्लेशन की बात करते हैं हम कौन से इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या बोलते हैं इसको सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स समझा उसमें से आप फ्यूल एंड फूड निकाल दोगे तो कोर मिल जाएगा आपको इन्फ्लेशन रेट तो कोई भी आदमी जब इन्वेस्ट करेगा तो कितना रिटर्न चाहेगा एटलीस्ट इक्वल टू इन्फ्लेशन रेट अब इंडिया में इन्फ्लेशन रेट अभी जो कल रिपोर्ट आया था कल मतलब फाइव पॉइंट सेवन पे आया था विच इज बिलो द आरबीएस टारगेट

स in तक अपना इन्फ्लेशन टारगेट से ज्यादा रहा तो so आरबीआई को रिपोर्ट लिखना पड़ा गवर्नमेंट को आरबीआई ने रिपोर्ट लिखा गवर्नमेंट को प्रेस ने बोला क्या लिखा तुमने इसमें आरबीआई बोला हम नहीं बता सकते आपको गवर्नमेंट को लिख रहे हैं गवर्नमेंट ने फिर बोला नहीं ये हम पब्लिश नहीं कर सकते फॉर दर्स्ट टाइम इट इज है this is a new transparency norms of our india but theek hai matlab bahut log kuch naraaz ho sakte isse but hai inflation konsa inflation consumer price index koi na koi bhi investor ho hai, he will expect return equal to that अगर india में inflation 6% chal raha hai abhi to when you give money you will expect at least 6% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब करोगे तो फिर आप जब सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हो तो तो आप लूज करते हो पैसा क्योंकि सेविंग्स अकाउंट अदर ग्रेट स्टूडेंट सर ग्रेट फाइनेंशियल ब्लॉग फाइनेंशियल इन्फ्लुसर ऑफ आवर कंट्री विद अबाउट मोर देन फाइव मिलियन क्या बोले सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स उन्होंने बोला अपना रील में सेविंग्स अकाउंट तुम रखते हो सेविंग्स अकाउंट में तो और तुमको तीन चार परसेंट मिलता है आई विल गिव यू अ टेक्निक वंडरफुल टेक्निक ऑटो स्वीप आप आपके बैंक को सिर्फ जाके बोलना कि ये जो भी सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस है एट द एंड ऑफ द डे ऑटोमेटिकली एफ डी में ट्रांसफर करना हर रोज सॉफ्टवेयर एफ डी करेगा और फिर क्या करो जब आपको पैसा चाहिए आप कार्ड स्वाइप करो ऑटोमेटिकली एफडी रिडीम होके पैसा चला आएगा आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा सेविंग अकाउंट आपको तीन चार परसेंट देता है ये ऑटो सिप से आपका पांच सवा पांच टका रिटर्न हो जाएगा व्हाट अ ग्रेट टेक्निक और बच्चे ने मुझे भेजा मिलियंस ऑफ व्यूज पब्लिक बोले क्या टेक्निक बताया सर आपने एप्सुल्यूट इलिटरेसी देयर इज नो नीड ऑफ ऑटो सिप अ नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट विद स्मॉल फाइनेंस बैंक गिवज यू मच मोर देन द ऑटो सिप एफ स बैंक नो देर इजेगरी एक अलग कैटेगरी आरबीआई ने किया है पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे कंट्री के अंदर लोगों को मालूम स्मॉल फाइनेंस बैंक मैंने आपको शायद फाउंडेशन में एग्जाम्पल दिया था आईपीओ का पैसा तुम कैसे कमा सकते थे या पूरा पिछले वाले बैच में था शायद

एफडी करो या सेविंग में रखो या करंट में रखो सर मेरे पास पांच सौ रुपए जिधर रखना है उधर रखना क्या फर्क पड़ने वाला उससे सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एनी इन्वेस्टर विल एक्सपेक्ट रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू व्हाट इन्फ्लेशन रेट इन्फ्लेशन रेट इंडिया में कितना चल रहा है अभी पांच साढ़े पांच परसेंट साढ़े पांच परसेंट ले लो आप राउंड ऑफ करने के लिए छह ले लो एग्जाम्पल के लिए परसेंट अब मुझे बोलो जब तुम किसी कंपनी में पैसा डालोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं ट्रेजरी बिल इज शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इज लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बिल्स इज अपन ईयर मोर देन वन ईयर इज कॉल्ड एज वॉट जी आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं सोवेरिनट को सोलवेंट इन सोलवेंट नहीं कहते हैं कपेबिलिटी टू प्रिंट इट्स ओन करेंसी एंड हैूल्स एंड रेगुलेशन वी आर नॉट बिंग डिकेटेड बाय एनी अदर कंट्री एंड वी वॉन्ट बी इंडिया इज अरिंग कंट्री इंडिया हैज इट्स राइट सुप्रिंट करेंसी एंड डू वराइट सो इंडियन बॉन्ड के ऊपर रिटर्न आठ टका इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड मस्ट ईल्ड मोर देन इंफ्लेशन रेट अदरवाइज इगेटिव रिटर्न लाइक यूएस बॉन्ड राइट नाउ मेजोरिटी ऑफ यूएस बॉन्ड्स आर राइट नाउ गिविंग निगेटिव ईल्ड आप बोलेंगे हाँ तभी भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑप्शन नहीं है क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग High inflation in the US for the next 10 years. Right now, 10-year US bond is yielding approximately 4 uh, yesterday, it was around 4.9. 4.9% is a 10-year US government bond. Is giving in dollar terms, US -ka inflation is around 7%. So there is a negative return. Que inflation is growing at 7%, and government is giving you what? 4.9%. Because that inflation is something called as Transitory. You don't expect the inflation to be there for the next 10 years. Will sir survive? Logic in error. If inflation is going to be there for 10 years, people will die. Um, financial stress will be huge. So government U US Fed Reserve is taking central bank. They are taking the steps to reduce the inflation. Generally speaking, government bonds will give you a rate of return higher than. इंफ्लेशन द हायर अमाउंट डे गिव इज टेक्निकली नोन एज रिस्क फ्री नहीं है जरा चो बेट बेटा यही तो पब्लिक तरह का बोलेगा गवर्नमेंट बॉन्ड जो देता है उसको रिस्क हायर रिटर्न जो देता है वो रिस्क फ्री रहता है रिस्क फ्री समथिंग डिफरेंट हैेश नोन एज अ रियल रेट क्या बोलते हैं उसको रियल रेट वॉट इज रियल रेट रियल रेट इज जी सेक्रेट माइनस इल्ड ऑफ लार्ज चंक ऑफ माई इक्विटी एंड बॉट द डिबेंचर्स एंड माई डिबेंचर्स गेव मी मोर रिटर्न मैंने उसका लॉजिक भी बोला था आपको पूरा इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में उसका लॉजिक आएगा एफ एम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लॉजिक आएगा उस टाइम पे भी बोला था मैंने आपको दैट अपॉर्चुनिटी अगेन इन यूनाइटेड स्टेट समवेयर जान फेब ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द फेड The interest rates are going to peak out in the US. Interest rates are not peaked out in the US. US uh, Fed, Nickel, Bola, they are going to increase interest rates further in the next year. So, once that rate hike is over in the US, the amount of money which you can mint through the bonds is going to be massive. Massive. That opportunity will come up. Because then the rates will decline like anything. Once the inflation is stabilized in the US, once Russia Ukraine problem is solved,

इन दोनों का जो टोटल होता है ना उसको बोलते हैं रिस्क फ्री रेट टोटल को बोलते हैं रिस्क रेट तो कोई भी इन्वेस्ट रिस्क फ्री रेट इज ए जी सेक्रेट जी सेक्रेट इट सेल्फ इज आरएफ तो आरएफ रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम क्या बोला मैंने रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम इज नोन एज वॉट

रिस्क है तो इश्क है इश्क छोड़ के तुमको कुछ रिश्ते दिखता नहीं दूसरा जिंदगी में ठीक है तुम्हारा एज है आई कैन अंडरस्टैंड बट इतनी भी हवस मत रखो फोन तो नहीं ले सकता तुम्हारा भी रिस्क है तो रिटर्न है सो बहुत सारे लोग क्या करना चाहते हैं रिस्क लेना चाहते रिस्क उठाना चाहते रिस्क कैसे उठाएंगे दे टेक रिस्क दे टेक रिस्क बाय मनी इन इक्विटीज और रिस्की बॉन्ड्स वाइटी ऑफ थिंग्स तो अगर आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो तो गवर्नमेंट कितना रिटर्न देगा तुमको आर एफ उसको क्या बोलतेशन गवर्नमेंट तुमको देगा गवर्नमेंट ने माई मिस्टेक आप कहीं और इन्वेस्ट करोगे अदर देन गवर्नमेंट रियल इस्टेट में लगा रहे हो रिस्क ज्यादा है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट बॉन्ड इक्विटी में लगा रहे हो रिस्क और ज्यादा है सो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क शुड डिमांड अ रिस्क प्रीमियम बट दिक्कत क्या है रिस्क कितना है ये ब्लड प्रेशर के जैसा नहीं ना लगाया कुछ तो और मेजर कर लिया हाँ मेरा बीपी बढ़ गया कितना नॉर्मल बीपी हंड्रेड एंड टेन मेरा बीपी हो गया एक सौ पचास रिस्क बढ़ गया एक सो दस नॉर्मल है बोला कोई तो जो भी बीपी के जैसा रिस्क तो मेजर नहीं कर सकते ना या शुगर के जैसा टू किया और मेजर कर लिया नहीं हो जाता ना रिस्क को मेजर कैसे करोगे दैट्स वेयर अ नोबेल मॉडल केम अप देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर मेजरिंग रिस्क बट फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट वन ऑफ मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल आई विल नॉट से द बेस्ट मॉडल देयर आर वेरियस अदर मेथड्स बट एक जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल हुआ विलियम शार्प ने दिया था कैपिटल असेट रिस्क प्राइसिंग मॉडल वहां से ही मैंने ये बोला तो वहां पर उन्होंने ये रिस्क प्रीमियम का मेजरमेंट कैसे करना है वो एक्सप्लेन किया है क्या एक्सप्लेन किया है रिस्क प्रीमियम को मेजर कैसे करना है यू शुड नो हाउ टू मेजर रिस्क ना तब जाके आप क्या करोगे रिस्क का मेजर कैसे करना है रिस्क प्रीमियम का मेजरमेंट कैसे करना है वह दोनों हम सीखेंगे तो टाइम वेल्यप मनी मतलब क्या एक नंबर है वो तो नंबर आपको आना चाहिए रिस्क फ्री रेट चलो इंडिया में रिस्क फ्री रेट चल रहा है मैं बोलता हूं एट परसेंट प्लस रिस्क प्रीमियम है प्लस क्या है रिस्क प्रीमियम है विच इज अ कॉम्पेंसेशन फॉर टेकिंग अ रिस्क आई होप यू अंडरस्टूड दैट यू शुड गेट द प्रीमियम वो टाइम वैल्यू अभी नंबर क्वेश्चन में प्रिंट किया रहेगा इसके एप्लीकेशन है एप्लीकेशन में आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं काइंडली कलेक्ट नोट्स जिन पहले